जय सर, आप सभी लोगों को आज अपनी नई क्लास चालू हो रही है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। इसमें हमारे डॉक्टर पीयूष दुबे सर आपको ये क्लास लेंगे। हाँ सर, पीयूष सर चालू कीजिए। जी हाँ, आपको मेरा नमस्कार सर, और आपको धन्यवाद, आपने फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। तो आज की हमारी क्लास है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे। देखिए, हम इससे पहले कि क्लास स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ चीज़ें बता लूँ कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या टॉपिक आते हैं, क्या क्या आपको कवर करना है। तो देख, जिनको बेसिक नहीं आता उनके लिए भी है, जिनको बेसिक आता है उनके लिए भी। मैं इस तरीके से, मैं किसी भी टॉपिक को इस तरीके से लेके प्रेजेंट करता हूँ, ये सोचिए कि जो लोग क्लास में आए उनको कुछ नहीं आता, ABCD भी नहीं आता। तो कोई भी आदमी ये ना परेशान हो करे हमको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। थोड़ी बहुत तो सभी को आती होगी, मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कुछ नहीं आता इस तरीके से। तो जो आज का टॉपिक होगा, इस पर हम एक बार डेमो लेक्चर भी डाल चुका हूँ छोटा सा, लेकिन आज हम दो तीन मोटी मोटी चीजें कवर करेंगे। एक तो ये है कि पैसा कहाँ से आएगा भाई, दूसरा एक मैसिव वेल्थ कहाँ से आएगा लाइफ। हम सीधे वही काम क्यों ना करें जहां से ज्यादा पैसा आएगा। पैसा किसको नहीं चाहिए या वेल्थ। और हम ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस का। बैंकरप्सी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, लोग लोन ले लेते हैं, नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उसके लिए रेमेडी क्या करें। और उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी जो मैं कवर करूंगा लास्ट में, वो सीक्रेट है। उसके लिए आपको क्लास के लास्ट तक बैठना पड़ेगा। और नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि मैं भी एक भी मिनट क्लास में वेस्ट नहीं करता हूँ। जितनी देर का क्लास होगा आपको पूरा का पूरा कंटेंट दिया जाएगा, उसमें टाइम पास कुछ नहीं होगा। तो आप लोग आराम से बैठे और पूरी क्लास सुने ध्यान से। और हाँ, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में मैं एक डाउट और भी क्लियर कर दूं कि कुछ लोग ये समझते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के नाम पे कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। भाई स्टॉक या शेयर ही एक थोड़ी है फाइनेंशियल के नाम पे। हर आदमी स्टॉक में इंटरेस्ट थोड़ी रखता है, स्टॉक और शेयर भी एक पार्ट है बस उसका। पैसा हर आदमी कमाना चाहता है। जो आदमी स्टॉक से कमा रहा है ना, अगर वो स्टॉक से 5 लाख कमा रहा है शेयर मार्केट से, तो उसको आप कहते हैं ये वाला काम करो 10 लाख मिलेंगे, तो वहां चला जाएगा। पैसे का कोई धर्म नहीं होता। लोगों का अक्सर ये मत होता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की क्लास है सिर्फ स्टॉक्स पे बात होगी। नहीं, स्टॉक्स पे थोड़ी है, हमारा तो मेन फोकस ही कि आपको पैसा आएगा कहाँ से। एक होता है पैसा आना, नॉर्मल पैसा, एक होता है कि पैसा सबसे ज्यादा कहाँ से आएगा आपकी लाइफ में, वो कौन सा एरिया है, हमें वो एक्सप्लोर करना है। अगर वो स्टॉक है तो स्टॉक की बात करेंगे हम, अगर वो जॉब है तो जॉब की बात करेंगे, अगर वो बिजनेस है तो बिजनेस की बात करेंगे, बट हमारा फोकस होगा कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आए। और केवल पैसा आएगा यही बड़ी बात नहीं, पूरे पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है। पैसा तो बहुत लोगों के पास आ जाता है, कुछ लोग हैं बहुत अर्न करते हैं पर खर्च हो जाता है, बचता ही नहीं। तो हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के नाम पे जो ये कोर्स है ना, ये सबसे यूनिक क्लास आपको मिलेगा आज का, कि हम पूरे पैसे का मैनेजमेंट सीखेंगे कहाँ कहाँ से। आज तो मैं कुछ ही टॉपिक कवर करूंगा, ये नहीं है कि मैं सारे कवर कर लूंगा आज की क्लास में, इतना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसा कहाँ से आएगा, मैसिव वेल्थ कहाँ से आएगा, और पैसा खर्च कहाँ पे हो रहा है, पैसा आपका फंसा कहाँ पे, लोन ले रहे हैं तो पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये सारे आपके फाइनेंशियल के पार्ट, फाइनेंसेस के। अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए करना क्या है, कम्युनिकेट कैसे करना है वेल्थ के लिए, नेटवर्क कैसे बढ़ाना है, ये सारा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट। लोन ले रहे हैं तो कैसे लेंगे, पे कैसे कर पाएंगे, हमारे पैसे पे कंट्रोल किसका है, हम जो डील करते हैं वो सही होती है गलत होती है, कुछ लोग डील करते हैं प्रॉब्लम आ जाती है, चेक आया बाउंस हो गया। अच्छा, हमारा पैसा बढ़ेगा तो कम किसका होगा, हमें ये भी पता होना चाहिए किसका पैसा जाएगा कि हमारे पास आएगा, किसी का तो खर्च होगा तभी तो हमारे पास आएगा। हमको वो एरिया पता हो तो कितना अच्छा हो भाई, मतलब कहने का कहाँ किसके पैसे कम होने वाले हैं जब हमारे पास आने वाले, कहने का मतलब उस एरिया में फिर आपको जाना। किसी का पैसा कम होगा इसका मतलब है वो काम आपको करना है। अच्छा, वेल्थ के कई पार्ट होते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा।
वेल्थ का एक पार्ट ये थोड़ी होता है कि वेल्थ आपने नौकरी की और कमाया। अरे आप पैदा ही करोड़पति घर में हुए, क्या जरूरत है कमाने, वो भी तो वेल्थ है। आपकी कहीं लॉटरी लग जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आदमी कमाता खाता हमेशा रहता है जीवन। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि टाइमिंग का मैसिव ग्रोथ होगा आपकी वेल्थ। ये सारे फाइनेंशियल के पार्ट होते हैं। स्टॉक मार्केट तो एक छोटा सा पार्ट है। आज भी इंडिया में 10% पॉपुलेशन भी हार्डली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, इससे ज्यादा नहीं करती, क्योंकि इंडियंस अभी भी इतने वाइब्रेंट नहीं हुए। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, और खास बात यह कि एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा डेप्थ किसी में नहीं, और इसको आपने अच्छे से समझ लिया ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम का आपके सॉल्यूशन मिल जाएगा। पैसा आएगा कैसे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको आपके लिए आज की क्लास में कवर की, मतलब मेरा एक फंडा है कि मैं कभी भी फ्री क्लास फ्री जैसी नहीं लेता, मेरी फ्री क्लास पेड जैसी होती। किसी को रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार, हमने तो 1.5 घंटे बिताया, इन्होंने तो एक लाइन बता के बस टाइम पास। फ्री क्लास भी ऐसा होना चाहिए आपको लगे कि कुछ मिला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है और मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। ओके, और अप्रोक्सीमेटली मैं 2011 या 12 से ये काम कर रहा हूँ, तो 10 ईयर्स तो हो ही गए एस्ट्रोलॉजी में, भले वो आपको मेरी एज से नहीं पता चलेगा। चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक पे बात करते हैं। हम सबको पता है कि एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो, उसके दो पार्ट, उसमें बेसिकली जो बेसिक पार्ट है वो क्या है, पूरी एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउस है, 12 भाव जिसे हम कहते हैं, 9 प्लैनेट है, 9 ग्रह और 12 राशियां, 12 राशियां। मोटे मोटे तौर पे सबको पता है कि जो 12 हाउस है उसमें फर्स्ट हाउस आपके बारे में बताता है, सेकेंड हाउस फैमिली और बैंक बैलेंस के बारे में बताता है, थर्ड हाउस आपके शॉर्ट ट्रेवल के बारे में, आपके भाई बहनों के बारे में बताता है, आपके नेबर यानी पड़ोसियों के बारे में, फोर्थ हाउस आपके प्रॉपर्टी के बारे में, आपके पास गाड़ी कौन सी होगी इसके बारे में, आपकी मदर यानी माता के बारे में, और मेंटल पीस मानसिक शांति कितनी रहेगी। फिफ्थ हाउस आपके किड्स यानी बच्चों के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके डाइजेशन के बारे में बताता है, और आपके फ्यूचर प्लान। सिक्स्थ हाउस आपके जॉब सर्विस जॉब, आपके हार्डवर्क, आपके लोन, कॉन्फ्लिक्ट, इन सब के बारे में बताते हैं। सेवन्थ हाउस आपके बिजनेस के बारे में, बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बारे में। एट्थ हाउस आपका जो है बेसिकली वो बताता है इन लॉस के बारे में, ससुराल, ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ये जितने ही सब ऑकल्ट साइंसेस हैं, साधना और तपस्या के बारे में। नाइन्थ हाउस आपका रिलीजन, गुरु, आपके फादर यानी पिता के बारे में, हायर नॉलेज के बारे में बताएगा। टेंथ हाउस आपका कैरियर, कर्मों के बारे में। इलेवेंथ हाउस आपका इनकम, सैलरी, आपके फ्रेंड्स यानी दोस्त, और आपके एल्डर सिबलिंग्स यानी बड़े भाई बहनों के बारे में। ट्वेल्थ हाउस, 12वां भाव आपके फॉरेन लैंड, हॉस्पिटल, आपके बेडरूम, आपके खर्चों के बारे में बताता है, एक्सपेंसेस के बारे में। ये हो गया 12 हाउस के ब्रॉडर सिग्निफिकेशन, सारे तो नहीं कवर किए, एक बेसिक आपको मैंने थीम दिया कि 12 भाव आपके क्या बताते हैं।
उसी तरीके से 12 राशियां होती हैं। आप सबको पता है फर्स्ट राशि होती है एरीज यानी मेष, सेकंड होती है टॉरस यानी वृषभ, थर्ड होती है जेमिनाई यानी मिथुन, फोर्थ नंबर की राशि है कैंसर यानी कर्क, फिफ्थ नंबर की राशि है आपकी जो है लियो यानी सिंह, सिक्स नंबर की राशि है वर्गो यानी कन्या, सेवन नंबर की तुला यानी लिब्रा, एट नंबर है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि का, नाइन नंबर राशि है सेजिटेरियस यानी धनु, टेन नंबर राशि है आपकी कैप्रिकॉन यानी मकर, और एक्वेरियस जो है इलेवन नंबर राशि है कुंभ जिसे कहते हैं, ट्वेल्व नंबर राशि है पाइसिस यानी मीन। ये 12 राशियां होंगी। इन राशियों के लॉर्ड कौन से हैं स्वामी? मोस्टली लोगों को पता है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। वन नंबर के हैं एरीज यानी मेष राशि के मार्स यानी मंगल देव, टू नंबर टॉरस यानी वृषभ राशि के हैं वीनस यानी शुक्र, थ्री नंबर जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं मरकरी, फोर नंबर कैंसर यानी कर्क राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं मून, फाइव नंबर लियो यानी सिंह राशि के लॉर्ड या स्वामी हैं सन यानी सूर्यदेव, सिक्स नंबर वर्गो यानी कन्या राशि के लॉर्ड हैं मरकरी, सेवन नंबर लिब्रा यानी तुला राशि के लॉर्ड हैं वीनस या शुक्रदेव, एट नंबर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के दो लॉर्ड होते हैं मार्स या केतु, मार्स और केतु दोनों, नाइन नंबर सेजिटेरियस यानी धनु राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं जुपिटर यानी बृहस्पति देव, टेन नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं सैटर्न यानी शनि देव, इलेवन नंबर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं सैटर्न और राहु देव, दो लॉर्ड हैं इसके, ट्वेल्व नंबर पाइसिस यानी मीन राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं जुपिटर यानी बृहस्पति देव। ये 12 राशियों के लॉर्ड यानी स्वामी हुए, तो 12 हाउस हो गया, 12 राशियां हो गई, और 9 प्लैनेट, 9 ग्रह कौन से? सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, ये 9 प्लैनेट। सन यानी सूर्यदेव, मून यानी चंद्रदेव, मरकरी यानी बुध देव, मार्स यानी मंगल देव, और बृहस्पति यानी जुपिटर यानी बृहस्पति देव, वीनस यानी शुक्र देव, सैटर्न यानी शनि देव, राहु और केतु, ये आपके 9 प्लैनेट हो गए। ठीक, तो 12 भाव, 12 राशियां और 9 प्लैनेट। जो लोग पहली बार आए एस्ट्रोलॉजी में उनके लिए मैं बता देता हूँ होता क्या है। ये आपका चार्ट है मान लेते हैं, ये तो उसमें जो नंबर लिखा होता है राशि का होता है। जैसे यहाँ फर्स्ट हाउस में लिखा 9 नंबर मतलब धनु राशि, सेकंड हाउस में लिखा 10 नंबर तो 10 नंबर मतलब कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, थर्ड हाउस में लिखा 11 नंबर तो 11 नंबर मतलब एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, 12 नंबर, 12 नंबर है पाइसिस यानी मीन राशि जो फोर्थ हाउस में लिखी। तो हाउस यानी भाव फिक्स होते हैं हर चार्ट में, जो उसमें नंबर लिखे होते हैं राशियों के बस वो बदलते रहे, और जो प्लैनेट लिखे हैं जैसे एम ओ मतलब मून, एस यू मतलब सन, जे यू मतलब जुपिटर, इस तरीके से। और जो राशियां हैं इनके लॉर्ड हमको पता होने से, जो मैंने अभी बताया स्वामी कौन से, तो ये हो गया इस तरीके का चार्ट होता है। हमको आज बात करनी है बस फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हर हाउस कौन, एक एक हाउस कौन से काम को रिप्रेजेंट करता है, प्रोफेशन या किस तरह के वर्क, एक एक राशि किस तरह के काम को रिप्रेजेंट करता है, और प्लैनेट किस तरह के काम को रिप्रेजेंट करता है, तभी हम समझ पाएंगे पैसा कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि वेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि जब बात वेल्थ की जाएगी पैसा, वेल्थ किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपको इनहेरिटेंस मिली है बहुत सारी, आपके पास कैश डिपॉजिट है, आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ भी हो सकता है। वेल्थ के बहुत सारे फॉर्म हैं, आपको कोई बिजनेस मिल गया है फैमिली से या कहीं से, शेयर के बॉन्ड्स हैं, कुछ भी है, वेल्थ किसी भी फॉर्म में हो सकता है।
ये मैं तो मत पा लिया, वेल्थ का मतलब पैसा ही, वेल्थ का मतलब पैसा ही होता है, मतलब पैसे के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, इनहेरिटेंस के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म। तो जो वेल्थ का हाउस होता है ना, वो बेसिकली सेकंड हाउस होता है। उसके पहले हम हर एक राशि और प्लेनेट से रिलेटेड प्रोफेशन समझ। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो हाउस है उसके जो सिग्निफिकेशन होंगे वही उस नंबर राशि के होंगे। जैसे फर्स्ट हाउस के जो सिग्निफिकेशन होंगे वही वन नंबर राशि कौन सी, एरीज एंड इमेज, उसके भी वही होंगे। तभी मैंने फर्स्ट हाउस और एरीज दिखाया। जो सेकंड हाउस के होंगे वही सेकंड हाउस यानी टू नंबर राशि टॉरस के भी होंगे। जो थर्ड हाउस के होंगे वही तीन नंबर राशि जेमिनाई के भी। जो फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेशन होंगे वही फोर्थ नंबर राशि कैंसर के होंगे। जो फिफ्थ हाउस के होंगे वही पांच नंबर राशि लियो के भी सिग्निफिकेशन होंगे। जो सिक्स हाउस के होंगे वही सिक्स नंबर राशि वर्गो के भी होंगे, कन्या। जो सेवंथ हाउस के सिग्निफिकेशन होंगे वही सेवन नंबर राशि लिब्रा के होंगे। जो एट हाउस के होंगे वही एट नंबर राशि स्कॉर्पियो के होंगे। जो नाइन्थ हाउस के होंगे वही नाइन नंबर राशि सेजिटेरियस के सिग्निफिकेशन होंगे। जो टेंथ हाउस के होंगे वही टेन नंबर राशि कैप्रिकॉन के होंगे। जो इलेवंथ हाउस के होंगे वही इलेवन नंबर राशि एक्वेरियस के होंगे। जो ट्वेल्थ हाउस के होंगे वही ट्वेल्व नंबर राशि पाइसिस के होंगे। तो फर्स्ट हाउस और एरीज ये रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट वर्क, इंडिपेंडेंट बिजनेस, कोई भी वर्क, ठीक। सेकेंड हाउस और टॉरस ये रिप्रेजेंट करता है फूड सेक्टर को, कम्युनिकेशन को, बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंस सेक्टर को। और सेकेंड हाउस और टॉरस जो है स्पीच का है, कम्युनिकेशन। तो स्पीच में ही एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री भी आ जाती है, क्योंकि आप माउथ से प्रेडिक्शन करते, तो मुंह से बोल के कोई भी काम करें वो भी इसमें ही आता है। थर्ड हाउस और जेमिनाई रिप्रेजेंट करता है मास मीडिया को, मास मीडिया होता है सोशल मीडिया या कुछ भी, आईटी सेक्टर हो गया आपका, कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, राइटिंग हो गया, एंटरटेनमेंट सेक्टर हो गया। और इसमें थर्ड हाउस और जेमिनाई शॉर्ट ट्रेवल को भी रिप्रेजेंट करता है, छोटी यात्रा। और सेल्स, सेल्स इसमें मैंने नहीं ऐड किया, सेल्स और शॉर्ट ट्रेवल छोटी यात्राएं, जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं। फोर्थ हाउस और कैंसर प्रॉपर्टी, हीलिंग और व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है, गाड़ियों। फिफ्थ हाउस और लियो ये रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन को, क्रिएटिविटी और हीलिंग को। कोई भी क्रिएटिव काम है, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड काम है, हीलिंग का काम है। और फिफ्थ हाउस और लियो फ्यूचर प्रेडिक्शन का भी होता है, तो एस्ट्रोलॉजर भी बना देता है, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, कुछ भी। सिक्स्थ हाउस और वर्गो रिप्रेजेंट करता है हेल्थ सेक्टर, डॉक्टर बनते हैं, कुछ भी बने, डॉक्टर, फार्मेसिस्ट, लॉयर, वकील, ऑडिटर, जो फाइनेंशियल ऑडिटर होते हैं, किसी भी तरह के ऑडिटर होते हैं, जैसे सीए, वीए, ये भी सब इसमें आता है। फार्मिंग को और एनजीओ, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ, वो भी इसमें ही आता है। सेवेंथ हाउस और लिब्रा रिप्रेजेंट करता है बिजनेस को, किसी भी तरह का बिजनेस, इवेंट प्लानिंग को। एट्थ हाउस और स्कॉर्पियो ये सबसे ज्यादा प्रोफेशन कवर करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका ऑकल्ट को, ऑकल्ट मतलब एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी का कोई भी काम, रिसर्च, किसी भी तरह का रिसर्च वर्क, पेट्रोलियम, LIC, CA, इनहेरिटेंस, फाइनेंस, बैंकिंग, पेंशन डिपार्टमेंट, शेयर मार्केट, स्टॉक, ये सारा एट्थ हाउस और स्कॉर्पियो। और एट्थ हाउस और स्कॉर्पियो बड़ी बीमारी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कई बार ये भी हेल्थ सेक्टर के काम, डॉक्टर बना सकता है। नाइन्थ हाउस और सेजिटेरियस टीचिंग, काउंसलिंग, गाइडेंस, प्रीस्ट, जो पुजारी बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, टीचर बनते हैं। टेंथ हाउस और कैप्रिकॉन में ज़्यादा प्रोफेशन नहीं आते, सिर्फ ये हार्डवर्क का साइन है, तो जो फिजिकल हार्डवर्कर, जैसे फार्मिंग, लेबर, इस तरीके से। इलेवेंथ हाउस और एक्वेरियस ये बड़े नेटवर्क सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनकम का भी हाउस है, तो फाइनेंस के काम इससे भी देखे जाते हैं, CAVA के चार्ट में आपको मिलेगा, बैंकिंग, फाइनेंस के काम है। या बड़ा नेटवर्क सर्कल, सोशल मीडिया, यूट्यूब, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होंगे। ट्वेल्थ हाउस और पाइसिस ये रिप्रेजेंट करता है हॉस्पिटल, डॉक्टर बन गए, हॉस्पिटल खोल लिया, फॉरेन में जाके काम करना, फॉरेन लैंड, एक्सपोर्ट का काम करना, मेडिटेशन का काम करना,
हीलिंग का काम करना, और जेल को भी रिप्रेजेंट करता है जो पुलिस जेलर है कुछ इस तरीके से, या जेल से जुड़े किसी भी प्रोफेशन। तो ये हो गया हाउस और राशियों से रिलेटेड काम। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूरत पड़ेगी आपको याद रहना चाहिए जब भी हम जो टेक्निक यूज करेंगे। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, वरना आपको याद नहीं रहेगा। इसका चलिए प्लैनेट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्लैनेट को देखते हैं, हर एक प्लैनेट कौन से प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। सन यानी सूर्य, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड काम। फादर का प्रोफेशन कि आप अपने पिता का ही काम कंटिन्यू कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज या टॉप अथॉरिटी वाली जितनी पोजीशन। मून यानी चंद्रमा, फूड से रिलेटेड काम, ट्रेवल का काम, हीलिंग का काम। लिक्विड सेक्टर, लिक्विड में वाटर है, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है। मरकरी रिप्रेजेंट करता है बुध, कम्युनिकेशन, आईटी, राइटिंग, वीजा से रिलेटेड काम, ट्रेड से रिलेटेड काम, अकाउंट, एजुकेशन, स्टेशनरी प्रोडक्ट, पेन पेंसिल का भी जो काम करते हैं, कॉपी किताब, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब मरकरी के अंडर में। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है बैंक, टीचिंग, काउंसलिंग। ये जुपिटर जुपिटर वाले कई बार लॉयर भी बन जाते हैं। मार्स रिप्रेजेंट करता है आपका आर्मी, पुलिस, डिफेंस, मिलिट्री, योग, जिम, मार्शल आर्ट, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक। मार्स कुकिंग के लिए भी कई बार लोग देखते हैं। वीनस रिप्रेजेंट करता है मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, मीडिया, हीलिंग, मेडिसिन। जब फाइनेंसेस की बात हो जाती तो बैंकिंग सेक्टर हो गया, सीए हो गया, इस तरह के जो भी काम पैसे से जुड़ा जो भी काम, वो सब। वीनस आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न कोल, आयरन, पेट्रोलियम, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, लेदर, लेदर के जूते चप्पल जो कुछ भी हो सैटर्न के अंदर में आता है, ये सब सैटर्न के काम हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप प्लैनेट्स का। ये उसके आगे राहु देव रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन लैंड, एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम। राहु रिसर्च को भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिसर्च। केतु स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का काम, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, गाइडेंस, इंपोर्ट, रिस्ट वॉचेस जो होती हैं, लॉयर बनाता है केतु, डॉक्टर बनाता है, या कनेक्शन का कार्य जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस तरह का जो दो चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं वो केतु है। अब हमको देखना पड़ेगा कि हम पैसा किस हाउस से देखें। तो सेकेंड हाउस हमारे वेल्थ का होता है, सेविंग्स का। इलेवेंथ हाउस हमारे इनकम का होता है। हम जो बात करेंगे बेसिकली वो इलेवेंथ नहीं, सेकेंड हाउस की बात करेंगे। अब लोगों का डाउट होगा कि जब इनकम नहीं होगी तो सेविंग कैसे होगी। इनकम तो रेगुलर इनकम होती है जो आप अपना मंथली बिल पे करने के लिए कमाते हैं, या डेली बिल, उसमें से बचाते कितने, वो सेकेंड हाउस है। सेकेंड हाउस एक्चुअल वेल्थ है, और हम इसलिए भी सेकेंड हाउस की बात करेंगे क्योंकि ये देखिए सेकेंड हाउस आपका वेल्थ का होता है, जहाँ पांच नंबर लियो लिखा है, और जहाँ टू नंबर टॉरस लिखा वो इलेवेंथ हाउस। तो जो फिफ्थ हाउस होता है ना, हमारा फ्यूचर होता है, जो ये आप जहाँ पे एट नंबर लिखा है, भाई फर्स्ट हाउस में आ गया कैंसर, लगन कैंसर हो गया। फिफ्थ हाउस कौन सा आया, वन टू थ्री फोर फाइव, फिफ्थ हाउस में साइन आया स्कॉर्पियो, लगन है आप, आपका फ्यूचर है फिफ्थ हाउस। तो हर हाउस से फिफ्थ हाउस उसका फ्यूचर हो गया। तो इलेवेंथ हाउस आपकी इनकम का है, जहाँ टू नंबर लिखा है इस चार्ट, अलग अलग चार्ट में अलग अलग रास्ते में। इलेवेंथ से फिफ्थ उसका फ्यूचर होगा, और इलेवेंथ से फोर्थ होगा उसका मेंटल पीस। क्यों? जब फर्स्ट हाउस से आप काउंट करेंगे कैंसर, यहाँ पे इस चार्ट में लिखा है, तो ये फर्स्ट हाउस होगा, वन टू थ्री फोर, फोर्थ हाउस आया जहाँ सेवन नंबर लिब्रा लिखा है। तो लगन से फोर्थ हाउस आपका मेंटल पीस, आपका सुकून, और फिफ्थ हाउस आपका फ्यूचर है।
ये कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा। फोर्थ हाउस मेंटल पीस का है, फिफ्थ हाउस फ्यूचर का है लगन से। तो किसी भी हाउस या प्लेनेट से फोर्थ हाउस उसका सुकून है और फिफ्थ हाउस उसका फ्यूचर है। तो हम सेकंड हाउस की बात इसलिए कर रहे हैं कि इलेवेंथ हाउस इनकम का है, इलेवेंथ से फोर्थ है सेकंड हाउस। इनकम जो होती है उसका सुकून तब आपको दिखाई देता है फोर्थ हाउस, वहां से फोर्थ है सेकंड हाउस जब आपको सेव कर पाते। आप देखिए आपको सैलरी आती है और सारी खर्च हो जाए, कुछ बचे ना, तो आपको बड़ा टेंशन होता है, कुछ बचा ही नहीं। इसलिए सेकंड हाउस आपका वेल्थ और सेविंग्स। हम सेकंड हाउस देखेंगे वेल्थ कहां से है, इनकम से बचा के वेल्थ आएगी क्या कहीं और से आ रही। कुछ लोग ऐसे होते हैं मंथली खर्चों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं सेविंग्स के लिए कि चलो दो जगह से कमाएंगे, एक जगह से कमाएंगे तो घर का खर्चा चलेगा, दूसरी जगह से जो कमाएंगे वो बचा के सेव कर पाएंगे, कुछ बचत कर पाएंगे। तो हम डायरेक्टली सेकंड हाउस देखेंगे। तो हमको क्या देखना है, और ट्वेल्थ हाउस खर्चों का होता है। ओके, ट्वेल्थ हाउस जो खर्चों का होता है, तो आज हम खर्चे की बात नहीं करेंगे। तो हमको देखना है कि सेकंड हाउस में कौन से प्लैनेट और साइन है, जो प्लैनेट और साइन है उनके सिग्निफिकेशन क्या है, और वो प्लैनेट किस हाउस का लॉर्ड है। वहां से हमको पता चलेगा हमारे पास वेल्थ कहां से है। समझ गए ना, सेकंड हाउस में बैठे साइन को देखना है, प्लैनेट को देखना, दोनों के सिग्निफिकेशन देखना, और वो प्लैनेट किस हाउस का लॉर्ड है उसको देख। अब एक इंसान के वेल्थ के मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं और होते भी, कमा रहा है, फैमिली से भी इनहेरिटेंस मिला है इस तरीके से। तो जैसे हम इस चार्ट में देखें सीधे सेकंड हाउस गए। अच्छा आप कह रहे होंगे टेंथ हाउस प्रोफेशन का है तो उसको क्यों नहीं देख रहे। रीजन ये, टेंथ हाउस ये नहीं बताता कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, टेंथ हाउस आप बताता है काम क्या करें। अब कई बार ऐसा जरूरी नहीं जो काम आप करें उससे पैसा ही आए, कई बार लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन पैसा उतना नहीं आता, या कई बार बहुत काम करते हैं तो भी पैसा नहीं आ रहा। तो हमको वो देखना जहां से पैसा आएगा। और मैंने अभी क्या कहा था, फिफ्थ हाउस फ्यूचर का होता है, तो सेकंड हाउस टेंथ से फिफ्थ आपके कर्म का फ्यूचर है सेकंड हाउस वेल्थ, वो काम जिससे पैसा आए, अगर उससे पैसा नहीं आ रहा तो क्या फायदा। तो इसीलिए हम सेकंड हाउस देखेंगे, सेकंड हाउस में बैठे साइन और पेरेंट और वहां पे जो राशि है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये चार्ट कैंसर है, वहां पे सेकंड हाउस में राशि आ गई लियो 5 नंबर। तो हम पहले देखेंगे 5 नंबर की क्या सिग्निफिकेशन। 5 नंबर एजुकेशन की है, क्रिएटिविटी की है, हीलिंग की है। फिफ्थ हाउस और लियो बच्चों का होता है, हो सकता है बच्चे से आपको बहुत वेल्थ मिले, इसमें से किसी एक काम से उनके पास वेल्थ आए लियो से। अच्छा प्लैनेट देखते हैं, प्लैनेट है वहां पे सैटर्न और राहु। अब सैटर्न और राहु के हम सिग्निफिकेशन देखें सिंपली। सैटर्न कोल, आयरन, पेट्रोल, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, लेदर, इसमें से पैसा आ सकता है। राहु है फॉरेन लैंड, एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर, इससे पैसा आ सकता है। अब हम देखेंगे सैटर्न और राहु किस किस हाउस के लॉर्ड है। सिंपली 10 नंबर राशि 7th हाउस में, एक्वेरियस राशि 11th हाउस में, सैटर्न इन दोनों के लॉर्ड होते हैं। तो सैटर्न जो है 7th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का, और राहु 8th का लॉर्ड है, क्योंकि मैंने क्या कहा था एक्वेरियस के दो लॉर्ड होते हैं सैटर्न और राहु। तो हम 7th और 8th हाउस के सिग्निफिकेशन भी देखेंगे। चलिए 7th हाउस के देखते हैं। 7th हाउस है लिब्रा, बिजनेस और इवेंट प्लानिंग का। 8th हाउस में आ गया स्कॉर्पियो में ऑकर्ट, रिसर्च, पेट्रोलियम, LIC, CA, इनहेरिटेंस डिपार्टमेंट, शेयर मार्केट और स्टॉक्स। अच्छा आप देखिए, तो इनका ये सारे प्रोफेशन निकल गए। तो आप जानते हैं क्या काम करते हैं, सैटर्न 8th का लॉर्ड है, ये CA है बेसिकली जिनका चार्ट है। उसके अलावा 8th हाउस स्टॉक का होता है, तो इन्होंने स्टॉक में भी पैसे लगाए कई बार कमाने के लिए। उसके अलावा 8th हाउस ऑकर्ट का, ये ऑकर्ट और एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहा है। अभी इसका एक और लेयर हम सीखें। चलिए हम खर्चे की बात नहीं कर रहे हैं, खर्चे की बात कल करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखें। इस चार्ट में देखते हैं सेकंड हाउस में आ गया कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के सिग्निफिकेशन चेक करते हैं। कैप्रिकॉर्न हार्ड वर्क का, मेहनत से पैसा है। प्लैनेट कौन है, सन और राहु। अच्छा एक बात और,
इनके में राहु फॉरेन में था तो फॉरेन से भी पैसा आया, इनकी कंपनी फॉरेन बेस्ड है, फॉरेन में भी जॉब कर सकते। यहाँ पे सन और राहु, हम सन के सिग्निफिकेशन और राहु के देखें। सन है गवर्नमेंट, फादर और सिविल सर्विस, फादर से रिलेटेड काम होगा, गवर्नमेंट का काम होगा, हाई अथॉरिटी का काम होगा। सन और राहु फॉरेन लैंड एक्सपोर्ट और सॉफ्टवेयर हो गया। अब सन और राहु किस हाउस के लॉर्ड है ये देख, राहु थर्ड हाउस का लॉर्ड है क्योंकि थर्ड हाउस में एक्वेरियस साइन है और सन नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, तो नाइन्थ हाउस और थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशन देख। चलिए नाइन्थ हाउस टीचिंग काउंसलिंग गाइडेंस का है, प्रीस्ट का है, किसी भी तरह के टीचर हो सकते हैं। थर्ड हाउस और जेमिनाई मास मीडिया आईटी सेक्टर कम्युनिकेशन राइटिंग एंटरटेनमेंट का है, सोशल मीडिया का है। अब देखते हैं क्या करते हैं। राहु थर्ड का लॉर्ड है, सन नाइन्थ का लॉर्ड है, तो बेसिकली ये टीचर है, पढ़ाते हैं। राहु थर्ड का लॉर्ड है, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, सोशल मीडिया। राहु फॉरेन का है तो ज्यादातर स्टूडेंट फॉरेन बेस्ड। आपको पता चल रहा है कहां से पैसा है? अभी तो मैंने हर प्लेनेट के इंपॉर्टेंट प्रोफेशन बताया, मैं और भी ऐड कर लू। चलिए उसके पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देते कि 21 फेब से हमारा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे पूरा 10 डेज का कोर्स है, डिटेल कोर्स है, और बेसिक से एडवांस तक पूरा कवर करेंगे। तो जिसको बेसिक नहीं आता जीरो से ना, वो भी ज्वाइन कर सकते। इसमें पूरा पैसे का पार्ट होगा कि आपका पैसा कहाँ से आएगा, नॉर्मल जो अर्निंग, उसके अलावा मैसिव वेल्थ कहाँ से आ सकता, आपके पैसे पे कंट्रोल किसका होगा, आपका पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। एक होता है मंथली खर्चे, वो हम देखेंगे। एक होता है कि पैसा अननेसेसरी आपके पैसे पे कंट्रोल किसका है, जैसे कुछ होता है ना, फीमेल्स अर्न करती हैं बिना हस्बैंड से पूछे, नहीं कर सकती, खर्च नहीं कर सकती, इस तरह का कंट्रोल। एक ये भी कंट्रोल होता है कि एक तो होता नॉर्मल खर्चे, दूसरा अननेसेसरी एक खर्चा आपकी लाइफ में जिसमें आपको लगता है कि आप बंद गए हैं, उसकी वजह से कुछ और कहीं और उस पैसे का यूज नहीं कर पा रहे, वो भी एक तरह का कंट्रोल होता है, वो हम देखेंगे। पैसे को बढ़ाने के लिए कौन सी एक्टिविटी करें ये हम देखेंगे। पैसे के लिए जो हम डील करते हैं वो सही हो रही है खराब हो रही है वो हम समझेंगे। चेक बाउंस हो जाता है, क्या हो जाता है, किस सेक्टर से किस एरिया से हमको ज़्यादा पैसा आएगा, कौन कौन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, अगर करना है तो किस सेक्टर में कर, लोन लेना सही है कि नहीं, लेंगे तो पे कैसे कर पाएंगे, पैसे के लिए हम कम्युनिकेट कैसे करें, अपना नेटवर्क कैसे बढ़ाएं, अपना वेल्थ बढ़ाने के लिए वेल्थ का हमारे फॉर्म क्या होगा, इनहेरिटेंस के रूप में आएगी, शेयर के रूप में आएगी कि पैसे के रूप में आएगी, ये हम देखेंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ और लोन के पेमेंट के लिए हम रेमेडी कौन कौन सी करें, पैसा कहीं फंसा है तो उसके लिए क्या रेमेडी करें, बैंकरप्सी या बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस है तो क्या रेमेडी करें, और हम टाइमिंग देखेंगे किस टाइम पे सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ हुई। तो ये हमारा 10 डेज का कोर्स है बेसिकली, ये गलत डेट लिखी 10 फरवरी पहले था, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 21 फरवरी कर दिया गया। 21 फरवरी से स्टार्ट होगा, रात में 9 बजे से क्लास होगा, 21 फरवरी से स्टार्ट होगा ये, ठीक। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 3333, लेकिन जो लोग आज पेमेंट करेंगे उनके लिए 10% डिस्काउंट है, 3000 रुपीज़ में वो इनरोल कर सकते। और इसके साथ एक ऑफर ये भी है, जो लोग आज इनरोल करेंगे उनके लिए 1 दिन की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास फ्री दी जाएगी। मेरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे पूरा 6 से 7 घंटे का लेक्चर है, जिसमें इंपॉर्टेंट डिजीज हेल्थ प्रॉब्लम हम चार्ट से कैसे देखें, उसके रिगार्डिंग क्या रेमेडी करें, कौन कौन से आयुर्वेदिक हर्ब है जो हम ले सकते हैं खुद ही बिना डॉक्टर से पूछे, वो पूरा आपको कोर्स फ्री दिया जाएगा। और इसका बैंक डिटेल ये है, जिसको भी पेमेंट करना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा 9990369555, नोट भी कर सकते हैं आप ये, इस पे पेटीएम गूगल पे या जिस मोड से आप करना चाहें वो भी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके अलावा बैंक डिटेल्स हैं, आप इस पे भी कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं जो आपने पेमेंट किया। उसके अलावा ये पेटीएम का बार कोड है, इसको भी आप जो चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ध्यान रहे कि 10% डिस्काउंट है सिर्फ आज रात के लिए,
तो अगर जो आज रात तक पेमेंट कर देता है तो वो केवल 3000 उसको पे करना होगा, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स आज ही रात मिलेगा जो आज एनरोल करेंगे, और आपको रिकॉर्डिंग और पीडीएफ सब दिया जाएगा कोर्स का। 6 से 7 महीने तक आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, और आपको जो डाउट है क्लास में पूछिए, जो डाउट क्लास में भी नहीं पूछ पाते तो क्लास के बाद भी आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। कोर्स खत्म होने के बाद भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो लोग पहले भी मेरे कोर्सेज कर चुके हैं वो सब जानते हैं, वो अगर 20 दिन बाद भी डाउट पूछते हैं ना तो भी कॉल करके पूछते हैं, मैं हमेशा उन्हें जवाब देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जिनको बेसिक नहीं आता वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जीरो से बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, ग्रहों के नाम से शुरू करके पूरा। तो जिसको ही पेमेंट करना है ये डिटेल्स आप लोग नोट कर दीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपना स्क्रीनशॉट। चलिए हम आगे कवर कर लेते हैं अपना टॉपिक। ये हो गया वेल्थ की बात, तो ये होता है एक वेल्थ। दूसरा हम ये देखेंगे मैसिव वेल्थ कहाँ से है। मैसिव वेल्थ एक झटके में भी आ सकता है, या मैसिव वेल्थ कहने का मतलब लाइफ में जो आपने मैक्सिमम वेल्थ या सेविंग कमाई वो कहाँ से कमाई, 10 साल काम करके नौकरी से कमाई कि बिजनेस से कमाई या किस फील्ड से कमाई। भाई आप होता ना जीवन में सबसे ज्यादा पैसा मैंने इसी काम से कमाया, ये होता है, तो वो हम देखेंगे। तो मैसिव वेल्थ के लिए हमें देखना होगा दूसरे भाव में जो राशि है उसका लॉर्ड यानी स्वामी कौन, वो कहाँ बैठा। ध्यान से सुनिएगा, सिंपल है, सेकंड हाउस का लॉर्ड यानी स्वामी कहाँ बैठा, जहां वो बैठा है वहां से काउंट करना है कि फिफ्थ हाउस कौन सा आ रहा है। सेकंड हाउस का लॉर्ड यानी स्वामी किस हाउस में बैठा है वो देखना है, वहां से फिर काउंट करना है कि फिफ्थ हाउस कैसा कहाँ आ रहा है। वहां से फिफ्थ हाउस काउंट करने पर जो हाउस आएगा उस हाउस के सिग्निफिकेशन, प्लैनेट और साइन के सिग्निफिकेशन देखने हैं, उससे पता चलेगा जीवन में सबसे ज्यादा मेजर प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ का आपका कहाँ से है। भाई उस आप नौकरी 20,000 की कम कर रहे हैं लेकिन जो आपके पास मैक्सिमम वेल्थ वो पिता से इनहेरिटेंस के फॉर्म में मिला, या हो सकता है एक आदमी ने नौकरी से ही जीवन में ज्यादा पैसा बनाया, या बिजनेस से बनाया, या आपने नौकरी से तो कम कमाया आपके बच्चे से आपको ज्यादा पैसा मिला, या आप नौकरी तो 20,000 की कर रहे थे स्टॉक मार्केट से आपने बना दिया मैक्सिमम। इस तरीके से सिंपल, सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठा है ये देख लिया, दूसरे भाव में जो राशि है उसका लॉर्ड यानी स्वामी, वहां से काउंट करेंगे कि फिफ्थ हाउस कौन सा हाउस है, वहां से फिफ्थ हाउस में सेकंड लॉर्ड से जो प्लैनेट है उसके सिग्निफिकेशन, जो साइन है उसके सिग्निफिकेशन, और जो प्लैनेट है वो किस किस हाउस का लॉर्ड है उसके सिग्निफिकेशन देखेंगे। अभी 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें बची हैं, वेट कीजिए। जैसे इसी चार्ट में हमने भी देखा था, तो कैंसर लगन सेकंड हाउस में 5 नंबर यानी लियो साइन आ गया, लियो का लॉर्ड कौन है सन यानी सूर्य, तो हम देखेंगे मैसिव वेल्थ के लिए सूर्य कहाँ बैठा। तो ये देखिए सन बैठा 11th हाउस में जहां टॉरस है, ठीक। अब मैसिव वेल्थ के लिए काउंट करना है सेकंड लॉर्ड जहां सन है वहां से फिफ्थ हाउस कहां काउंट करना शुरू कीजिए, जहां सन बैठा उसको 1 मान लीजिए, 1 यहां पे 3 नंबर लिखा है 2, यहां पे 4 नंबर लिखा वो थर्ड हाउस, जहां पे 5 नंबर लिखा 4, जहां पे 6 नंबर लिखा वो है 5। तो सेकंड लॉर्ड से फिफ्थ हाउस आ रहा है जहां 6 नंबर यानी वर्गो लिखा है, थर्ड हाउस, ये लगन से थर्ड हाउस। तो इस इंसान को जो मैसिव वेल्थ आएगी जीवन में वो वर्गो के सिग्निफिकेशन देखने हैं और थर्ड हाउस, प्लैनेट है नहीं तो प्लैनेट के हमें देखना नहीं। तो थर्ड हाउस किसका होता है आइए देखते हैं। थर्ड हाउस होता है मास मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन, राइटिंग, एंटरटेनमेंट, और दूसरा वहां पे क्या 6 नंबर यानी वर्गो। वर्गो किसका होता है, हेल्थ सेक्टर, लॉयर, ऑडिटर, फार्मिंग, मैंने क्या कहा था लॉयर ऑडिटर कोई भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल ऑडिटर हो गए, किसी भी तरह के हो गए, तो सबसे ज्यादा वेल्थ। और 6th हाउस और वर्गो साइन जॉब का होता है, नौकरी का, हम ये कह सकते हैं नौकरी से ज्यादा पैसा आएगा, लाइफ का ज्यादातर वेल्थ इनको नौकरी से आएगा। तो हमने अभी इसी चार्ट में देखा था, मैंने कहा था कि ये सीए सेकंड हाउस, तो इनका सबसे ज्यादा लेकिन मैसिव वेल्थ कहाँ से आ रहा, नौकरी से, सीए की जॉब करती है और कई सालों से कर रही है, पूरा का ज्यादातर जो इन्होंने वेल्थ और सेविंग क्रिएट किया अपनी नौकरी से किया। दूसरा थर्ड हाउस है, इनका सारा काम ऑनलाइन है,
दूसरा वर्गो है, तो वर्गो में एक आया था हेल्थ सेक्टर ऑडिटर, तो सीए वाले फाइनेंशियल ऑडिट का ही काम करते हैं, किसी भी तरह कई तरह के ऑडिटर, इनका पैसा वहीं से आ रहा है मैक्सिमम मैक्सिमम वेल्थ इन्होंने उससे बनाया, फ्लैट लिए, 2-3 गाड़ी ली, सब कुछ। इस वेल्थ को बढ़ाना कैसे, ये हम सीखेंगे अपने कोर्स में। लेकिन जो लोग नई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं वो भी इतना तो सीख ही सकते हैं, ये भी काफी यूजफुल। तो आप ये बता सकते हैं कि सेकंड लॉर्ड से फिफ्थ हाउस का ही प्रोफेशन चूज कीजिए ना भाई, तुम सीए बनो, डॉक्टर बनो, जहां से ज्यादा पैसा आना है, ये भी आप कर सकते हैं, इसका यूज ही है ये। क्या प्रोफेशन चूज कीजिए, या तो सेकंड हाउस में बैठे साइन प्लेनेट या उसके लॉर्ड के, या सेकंड लॉर्ड ज्यादा पैसा चाहिए तो सेकंड लॉर्ड से फिफ्थ हाउस में जो साइन या प्लेनेट है उसका। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी, सेकंड हाउस में लियो है, सेकंड लॉर्ड सन 11th हाउस में है, तो सेकंड लॉर्ड सन से फिफ्थ हाउस आ गया, फिफ्थ हाउस आया सन से थर्ड हाउस यानी वर्गो, और वर्गो क्या, जॉब ऑडिटिंग हेल्थ सेक्टर लीगल एडवाइजर ऑडिटर। इस तरीके से आपको देख, चलिए एक और जो चार्ट था उस पर भी देख लेते। सेकंड हाउस में साइन आ गया कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन देखें, कैप्रिकॉन का लॉर्ड सैटर्न, सैटर्न कहाँ चला गया, फर्स्ट हाउस, यहां से फिफ्थ हाउस देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, सैटर्न से फिफ्थ हाउस आ गया है एरीज, कोई प्लेनेट है, नहीं है। फिफ्थ हाउस किसका होता है, और लियो, सिग्निफिकेशन चेक करते हैं, एजुकेशन क्रिएटिविटी हीलिंग टीचिंग से आ रहा है ना, मैंने अभी क्या कहा था, इनका 9th लॉर्ड सेकंड में बैठे सन, तो टीचिंग करते हैं, तो टीचिंग एजुकेशन से ही रिलेटेड काम है ना, एजुकेशन की फील्ड से ही मैसिव वेल्थ आया है। और एरीज क्या है, इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट टीचिंग करते हैं एक तरह से, फर्स्ट हाउस और एरीज। तो आप देखें सेकंड लॉर्ड से फिफ्थ हाउस बता रहा है मैसिव वेल्थ कहाँ से है, और ये टेक्निक कभी फेल नहीं होती, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मैं अपने कोर्सेज में जो भी टेक्निक बताता हूँ हमेशा चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वो फेल हो ही नहीं सकती। उसका रीजन है कि मैं वही टेक्निक बताता हूँ जो खुद यूज करता हूँ कंसल्टेशन, जो मैं नहीं यूज करता हूँ मैं बताता भी नहीं, तो मैंने कई सालों तक यूज किया हुआ था इसलिए मुझे पता है फेल नहीं, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फेल हो रहा है तो गलती हमारी आपकी है, टेक्निक की नहीं, टेक्निक नहीं फेल हो सकता, वो सारे प्रैक्टिकली टेस्टेड टेक्निक। चलिए आपने कभी सुना 10 महाविद्या देवियों के बारे में, तो पहले हम उनके नाम समझ लेते हैं, ये दो सबसे यूनिक टॉपिक। सन सूर्य देव को रिप्रेजेंट करती है जो देवी यानी महाविद्या, मातंगी। मून को रिप्रेजेंट करती है देवी भुवनेश्वरी। महाविद्या जो होती है उनकी पूजा आसानी से नहीं, सब नहीं कर सकते, उसके लिए आपको गायत्री दीक्षा या पंडित की जरूरत है, और की भी नहीं जाती नॉर्मल स्टेज में जब तक कि प्रॉब्लम सीवियर ना हो। मार्च यानी मंगल देव को रिप्रेजेंट करती है देवी पगला मुखी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर ना याद हो। मरकरी यानी बुध देव को रिप्रेजेंट करती हैं देवी परासुंदरी। जुपिटर यानी बृहस्पति देव को रिप्रेजेंट करती हैं देवी तारा। वीनस यानी शुक्र देव को रिप्रेजेंट करती हैं कमला सुंदरी। सैटर्न यानी शनि देव को रिप्रेजेंट करती हैं देवी दक्षिण काली। राहु देव को रिप्रेजेंट करती हैं देवी चिन्मस्ता। केतु देव को रिप्रेजेंट करती हैं देवी धूमावती। तो जब आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसका कोई सॉल्यूशन ना मिले, क्या उसका कोई रास्ता ही नहीं बचा, जैसे फाइनेंशियल क्रच जैसा, बहुत सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस, इतना सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस है कि अब आप समझिए आपको कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा, बहुत कर्ज के तले दबे हैं, या उस फाइनेंशियल क्राइसिस से आप नहीं निकल पा रहे, या आपको लगता है कि अब मैं नहीं निकल पाऊंगा, बहुत टाइम किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई लोन है आपके ऊपर बहुत हैवी, नौकरी मिल नहीं रही कई साल हो गए, काम धंधे चल नहीं रहे, ऐसा सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जिससे आपको लगता है कि उस अब कोई रास्ता बचा नहीं,
तब आपको जो है सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, सेकंड हाउस में जो राशि बैठी उसका जो लॉर्ड है, उस प्लेनेट से रिलेटेड महाविद्या की पूजा करनी चाहिए। आप किसी पंडित या एक्सपर्ट को बुला के उसकी पूजा करा सकते हैं, नहीं कर सकते तो आप खुद से भी इसका जाप कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, जो लोग बैंकरप्सी दिवालियापन की कगार पे, उनके लिए रेमेडी एक तरह, तो आप खुद इसका जाप कर सकते। नॉर्मली तो आपको किसी को बुला के ही करना पड़ेगा, बट आप खुद करना चाहते हैं तो इनके नाम का जाप कर सकते हैं। जैसे मैं बता भी देता, नाम का जो मंत्र होता है वो कोई भी कर सकता है, उसके लिए पुजारी की जरूरत नहीं। सन है तो उसके लिए करिए ओम मातंगे नमः, ओम मातंगे नमः। मून के लिए ओम भुवनेश्वरे नमः, ओम भुवनेश्वरे नमः। मार्स के लिए ओम बगला मुखे नमः, ओम बगला मुखे नमः। मरकरी के लिए ओम परासुंदरे नमः, ओम परासुंदरे नमः। जुपिटर के लिए ओम तारे नमः, ओम तारणे नमः, ओम तारणे नमः। वीनस के लिए आप कर सकते हैं ओम कमला सुंदरे नमः, ओम कमला सुंदरे नमः। सैटर्न के लिए आप कर सकते हैं ओम दक्षिण कालिके नमः, ओम दक्षिण कालिके नमः। राहु देव के लिए कर सकते हैं ओम चिन्मस्ते नमः, ओम चिन्मस्ते नमः। केतु देव के लिए कर सकते हैं ओम धूमावते नमः, ओम धूमावते नमः। तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, जैसे लियो साइन है तो उसका लॉर्ड सन है, कैंसर है तो मून है, और एरीज है तो मार्स है, स्कॉर्पियो है तो मार्स है, मरकरी है तो सॉरी जेमिनाई या वर्गो है तो मरकरी है उसका लॉर्ड, सेजिटेरियस या पाइसीज है तो जुपिटर है, लिब्रा या टॉरस है सेकेंड हाउस में तो वीनस है, सैटर्न है एक्वेरियस सॉरी कैप्रिकॉन या एक्वेरियस है तो सैटर्न है, एक्वेरियस है तो एक्वेरियस या सैटर्न और राहु दोनों होता तो राहु का भी कर सकते हैं, स्कॉर्पियो है तो मार्स और केतु दोनों। तो इस रेमेडी के दो तरह से यूज है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, नौकरी नहीं लग रही, काम धंधा चल नहीं रहा था, तो सेकेंड हाउस में बैठे लॉर्ड का यूज। अगर आपके पास लोन इतना हैवी है कि पे नहीं हो रहा है, फंस चुके हैं, तो एट्थ हाउस में जो साइन आ जाए सेम उसी तरीके से उसका लॉर्ड देखिए, तब आप उस तब भी इसी तरीके से आप जप कर सकते। तो डिफरेंस क्या समझे, पैसा नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, तब आपके पास फाइनेंशियल क्रंच है या क्राइसिस है, तो सेकंड हाउस में जो राशि बैठी है उसका लॉर्ड देखिए, उसका लॉर्ड जो प्लेनेट आ रहा उससे रिलेटेड महाविद्या की पूजा कीजिए। अगर लोन की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, सीवियर लोन में फंसे हुए, कर्जे में दबे हुए, तो एट्थ हाउस में जो राशि बैठी है उसका लॉर्ड देखिए, वो कौन सा प्लेनेट है उससे रिलेटेड जो मैंने अभी मंत्र बताया वो कीजिए। नहीं मंत्र कर सकते दिन का नाम ही जपते रहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। मातंगी भुवनेश्वरी, इनके मंदिर भी सबका तो मुझे नहीं पता पर हैं ज्यादातर, उनके दर्शन भी आप कर सकते हैं, वो अब आप पता कीजिएगा, पता करके मुझे ही बताइए। मंत्र मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सन का ओम मातंगे नमः, मून के लिए ओम भुवनेश्वरे नमः, मार्स के लिए ओम बगला मुखे नमः, मरकरी के लिए ओम परासुंदरे नमः, जुपिटर के लिए ओम तारणे नमः, वीनस के लिए ओम कमला सुंदरे नमः, सैटर्न के लिए ओम दक्षिण कालिके नमः, राहु के लिए ओम चिन्मस्ते नमः, केतु के लिए ओम धूमावते नमः। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और बता, उसके पहले मैं फिर से बता दूं कि हमारा 10 डेज पे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आ रहा है जो 21 फेब से शुरू हुआ, पूरा 10 डेज का हमने इसीलिए रखा है कि जीरो से बेसिक से पूरा कवर करेंगे, तो जिसको नहीं भी बेसिक आता वो भी ज्वाइन कर सकते। जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे फाइनेंस का पूरा पार्ट है, पैसा कहाँ से आएगा, नॉर्मल मैसिव वेल्थ कहाँ से आएगा, पैसा खर्च कहाँ पे हो रहा है, पैसे का कंट्रोल किसके हाथ में है, पैसा आपका फंसा कहाँ पे है, पैसे के लिए जो डील करते हैं उसमें वो अच्छी हो रही है कि बुरी हो रही है उसको कैसे देखें, वेल्थ बढ़ाने के लिए क्या एक्टिविटी करें, वेल्थ बढ़ाने के लिए कम्युनिकेट किससे करें, वेल्थ बढ़ाने के लिए नेटवर्क सर्कल कैसे बढ़ाएं, शेयर मार्केट में कौन इन्वेस्ट कर सकता है कौन नहीं, कर सकता है तो किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें,
आपके चार्ट में कौन से ऐसे योग हैं जो बताते हैं ह्यूज वेल्थ के कॉम्बिनेशन, मैसिव वेल्थ के, कौन से जो है बैंक्रप्सी के योग होते हैं, खर्चे और लॉस कहाँ हो रहे हैं ये कैसे देखें, लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये कैसे देखें, फिर फाइनेंशियल ग्रोथ और लोन नहीं पे हो रहा है तो उसके लिए रेमेडी कैसे करें, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या रेमेडी करें, पैसा कहीं फंस गया है तो क्या रेमेडी करें, बैंक्रप्सी के लिए क्या रेमेडी करें, ये सब हम कवर करेंगे और इसका रिकॉर्डिंग और पीडीएफ सब मिलेगा आपको। जिनको कुछ भी नहीं आता, एबीसीडी भी नहीं आती, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि हम इसीलिए 10 डेज का इस बार कि पूरा बेसिक से कवर करेंगे। और जिनको पेमेंट और जो लोग आज रात तक, इसकी फीस है 333 333, पर जो लोग आज रात तक पेमेंट कर देंगे उनको 10% का डिस्काउंट है, 3000 रुपीज उनको पे करना। और साथ ही साथ ऑफर ये, एक सेकंड, हाँ सर, सर मेरा नंबर बता देना, इंक्वायरी के रह रहा तो मेरे से बात कर लेंगे, मेरा नंबर बता देना उनको। जी बिल्कुल, और डेट गलत लिखो भी बता देना। हाँ वो भी। तो ये कोर्स 21 फरवरी से शुरू, मार्च से सेकंड, 21 फरवरी से लेकर सेकंड मार्च के बीच में सर। जी, तो ये कोर्स 21 फरवरी से शुरू हो रहा है, पहले भी मैंने भी बताया था जो लोग लेट ज्वाइन किए उनके लिए भी, ये 10 फरवरी नहीं 21 फरवरी से शुरू हो रहा है। और आज जो आज रात तक जो लोग पेमेंट करेंगे 10% का डिस्काउंट है, फीस इसकी 333 333 है, पर आज रात तक जो पेमेंट करेगा उसको 3000 पे करना। और इम्पॉर्टेंट बात है, जो लोग आज रात तक पेमेंट करेंगे उनको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की रिकॉर्डिंग और पीडीएफ फ्री मिलेगी। मेरा पूरा 5 से 6 घंटे का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पूरा रिकॉर्डिंग है कोर्स का, जिसमें हम चार्ट से देख के जान सकते हैं कौन कौन सी बीमारी होने के चांसेस हैं या कौन कौन सी हो सकती है, उसके रिकॉर्डिंग क्या रेमेडी करें, क्या आयुर्वेदिक रेमेडी करें वो भी मैंने कवर किया, और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी, तो वो भी फ्री मिलेगा जो आज एनरोल करेंगे। और पेमेंट के लिए जो आपको डिटेल चाहिए वो ये है, आप बैंक डिटेल में भी पे कर सकते हैं या ये नंबर पेटीएम गूगल पे किसी के थ्रू आप पे कर सकते हैं, और यही नंबर व्हाट्सएप पे भी है 999-036-9555 999-036-9555, इसी पे पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे सेंड कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी या डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग या पेमेंट के रिगार्डिंग, तो इसी नंबर पे आप कॉल करके अजय सर से बात भी कर सकते हैं, नंबर आप नोट भी कर सकते हैं 999-036-9555, ये पेटीएम है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से बता दूं, जो आज रात तक पेमेंट करेगा उसको 10% डिस्काउंट है, 3000 पे करना, जबकि नॉर्मली फीस है 333 333, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाला भी जो ऑफर है वो सिर्फ आज रात की। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये पेमेंट डिटेल्स कर। और एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं आपको, मैंने कहा था मैं एक भी मिनट वेस्ट नहीं करूँगा, आप मेरे पेड कोर्स में आए चाहे ना वो अलग बात है, लेकिन फ्री कोर्स का भी पूरा टाइम हम यूज करेंगे, आप सीख के जाएंगे। भाई आप बिजनेस में आते हैं तो आपको लगता है अट्रैक्शन होना चाहिए, लोग आपकी तरफ आए, या आप मैरिज के लिए जाते हैं तो आपको लगता है अट्रैक्शन होना चाहिए, हर आदमी परेशान रहता है कि अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है अट्रैक्शन के लिए वो दो हैं, वीनस और मरकरी। तो अगर आपको अट्रैक्शन बढ़ाना है बेसिकली, तो आपको इनका रेमेडी करना चाहिए, वीनस और मरकरी। ठीक, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी ये है कि आप डायमंड या एमरल्ड पहन, हीरा या पन्ना। अच्छा, पहनना कहाँ पे? वो पहनना है रिंग फिंगर में। नॉर्मली आप सुनते हैं कि डायमंड मिडिल फिंगर में पहनते हैं, पुखराज इंडेक्स फिंगर में पहनते हैं, ये अलग कॉन्सेप्ट है। जैम स्टोन का भी अपना एक कॉन्सेप्ट है, कभी मौका मिला तो वो भी पढ़ाएंगे। क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, धार्मिक उन्नति चाहिए, उस हिसाब से फिंगर डिसाइड की जाती है। तो आपको अट्रैक्शन बढ़ाना है तो रिंग फिंगर में डायमंड पहन ले या एमरल्ड पहन, उसमें भी कंफ्यूजन। उसमें भी क्या करना है, अगर वीनस और मरकरी आपके अच्छे हाउस के लॉर्ड हैं तब तो राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनिएगा, चाहे डायमंड पहनिए चाहे एमरल्ड पहनिए, कोई भी। अगर वो 6 8 और 12 के लॉर्ड है तो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहनिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड में जब जेम स्टोन पहनते हैं तो इफेक्ट वो कम करने के लिए पहनते हैं, उस ग्रह की शांति के लिए पहनते हैं। राइट हैंड के में पहनते हैं जब जेम स्टोन तो ग्रह की पावर को बढ़ाने के लिए। तो अगर मरकरी और वीनस 6 8 12 के लॉर्ड है तो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहनिए।
और अगर अच्छे हाउस के लॉर्ड है, 6, 8, 12 के नहीं है, तो राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनिए एमरल्ड या डायमंड, इससे आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, अपीयरेंस आपका अच्छा होगा। अगर किसी को अपीयरेंस में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि हम सुंदर नहीं दिख रहे हैं, चेहरे पे दाग धब्बे हैं, फेशियल फीचर हमारे नहीं अच्छे, तो अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए भी है रेमेडी और अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए, क्या आपका अपीयरेंस थोड़ा सुधर जाए। मैरिज में प्रॉब्लम आ रहा है अपीयरेंस की वजह से तो अच्छा। अब मान लेते हैं कि 6, 8, 12 के लॉर्ड है, तो मैंने कह दिया लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहन लीजिए, लेकिन दूसरा चॉइस ये भी है ना, दोनों तो पहनने नहीं, दोनों में से कोई एक पहन, तो देख लीजिए दोनों में से जो अच्छे हाउस का लॉर्ड है, मान लेते हैं मरकरी 6, 8, 12 का लॉर्ड, वीनस तो नहीं है 6, 8, 12, तो अगर वीनस 6, 8, 12 का लॉर्ड नहीं और वीनस 6, 8, 12 में नहीं बैठा है, तो आप वीनस का पहन लीजिए ना सिंपली, या वीनस 6, 8, 12 का लॉर्ड है बट मरकरी नहीं है 6, 8, 12 का लॉर्ड और मरकरी 6, 8, 12 में बैठा भी नहीं, तो आप मरकरी का पहन लीजिए, दोनों में से कोई एक पहन। और अगर दोनों ही 6, 8, 12 के लॉर्ड नहीं और अच्छी पोजीशन, तो बेस्ट चॉइस है डायमंड और एमरल्ड में से एमरल्ड, तब तो आप एमरल्ड पहनिए, आपका अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, इस तरह की कोई भी चीज। फिर से मैं बता दूं, आपको अट्रैक्शन बढ़ाना है, अपने अपीयरेंस में कोई प्रॉब्लम है, चेहरे में कोई प्रॉब्लम है, लुक्स में कोई प्रॉब्लम, उसको इंप्रूव करने के लिए दो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल, मरकरी और वीनस, और यही दो प्लैनेट पैसा भी देते। तो वीनस के लिए आप डायमंड पहन सकते हैं, मरकरी के लिए आप एमरल्ड पहन सकते हैं। पहनना किसमें, अगर ये 6, 8, 12 के लॉर्ड है तो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहन, क्योंकि लेफ्ट हैंड में जब आप जेमस्टोन पहनते हैं तो प्लैनेट की शांति है, उसके इफेक्ट को कम कर। अगर ये अच्छे हाउस के लॉर्ड 6, 8, 12 के नहीं है या और 6, 8, 12 में बैठे भी नहीं, तो राइट हैंड की रिंग फिंगर पहनेंगे, राइट हैंड की रिंग फिंगर में आप पहनेंगे तो वो उसके प्रभाव को बढ़ाएंगे। और डायमंड और एमरल्ड में से एमरल्ड बेस्ट चॉइस। या तीसरा आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा 6, 8, 12 का लॉर्ड है उसको छोड़ के दूसरे का पहन लीजिए। मान लेते हैं मरकरी आपके चार्ट में 6, 8, 12 का लॉर्ड या 6, 8, 12 में बैठा है, तो आप देखिए वीनस तो नहीं है 6, 8, 12 का, अगर वीनस 6, 8, 12 का लॉर्ड नहीं है और 6, 8, 12 में बैठा भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है आप राइट हैंड की रिंग फिंगर में डायमंड पहन लीजिए। क्या मान लेते हैं वीनस 6, 8, 12 का लॉर्ड है या 6, 8, 12 में बैठा बट मरकरी 6, 8, 12 का लॉर्ड नहीं, 6, 8, 12 में नहीं बैठा है, तो राइट हैंड की रिंग फिंगर में एमरल्ड पहन लीजिए, क्योंकि यही दो राजसिक ग्रह पैसा, रजस, मोह, लुक, ब्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये भी दो प्लेनेट। वीनस और मरकरी, ये रेमेडी आप अपना अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, अपने अपीयरेंस में इंप्रूवमेंट करने के लिए कर सकते। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जेमस्टोन की, ये ध्यान रखिए। और गोल्ड या सिल्वर किसी में भी पहन सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं, उसको लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं। और आपको ये होगा कि कितने रत्ती का पहने, तो आपके वेट के हिसाब से होता है, वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए एक अप्रोक्सीमेट कितना रत्ती होना चाहिए। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये जो स्लाइड है ये आपके काम आएंगे जिन्होंने लेट भी ज्वाइन किया। साइन और हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन, अब प्लैनेट से रिलेटेड, अब वेल्थ के लिए कौन सा हाउस आता है ये मैंने आपको बताया, और मैसिव वेल्थ के लिए दूसरा जो बैंकरप्सी या फाइनेंशियल सीवियर क्राइसिस में, वो महाविद्या, जो लोग नहीं ज्वाइन किए थे, लेट ज्वाइन किए थे, तो उनके मंत्र मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सन के लिए ओम मातंगे नमः,
मून के लिए ओम भुवनेश्वरे नमः, मार्स के लिए ओम बगला मुखे नमः, मरकरी के लिए ओम परासुंदरे नमः, जुपिटर के लिए ओम तारे तारने नमः, वीनस के लिए ओम कमला सुंदरे नमः, सैटन के लिए ओम दक्षिण कालिके नमः, राहु के लिए ओम चिन्मस्ते नमः और केतु के लिए ओम धूमावते नमः। आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिला तो उस प्लैनेट से रिलेटेड महाविद्या की पूछो। अभी तो मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए बताया, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जॉब नहीं मिल रहा है, सेविंग नहीं हो पा रहा, तो सेकंड हाउस में बैठे लॉर्ड है उससे, वो जो प्लैनेट है उससे रिलेटेड महाविद्या की पूजा की, या जो मैंने मंत्र बताया उसके चैंटिंग की, या आपके ऊपर सीवियर लोन है, लोन के प्रेशर में आप दबे जा रहे हैं, लोन पे नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए एट्थ हाउस में जो साइन आ रहा है उससे जो उसका जो लॉर्ड है उससे रिलेटेड महाविद्या की पूजा की। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसी चार्ट जैसे इस चार्ट में एक्वेरियस आ रहा है एट्थ हाउस, मान लेते हैं लोन का सीवियर प्रॉब्लम, एक्वेरियस यानी कुंभ के लॉर्ड कौन है, सैटर्न और राहु, तो आप या तो सैटर्न से रिलेटेड महाविद्या की पूजा करते हैं, राहु से रिलेटेड, दोनों में से किसी। अगर मान लेते हैं इंसान कहता है जॉब ही नहीं मिल रहा, आज 5 साल हो गए बिजनेस कर रहे हैं, कर चल ही नहीं रहा, तब ऐसे केस में इस वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस, तो आप सेकेंड हाउस में जो साइन बैठा है उससे रिलेटेड लॉर्ड से रिलेटेड महाविद्या की पूजा करते हैं। जैसे सेकेंड हाउस में लियो आ गया, लियो का लॉर्ड सन है, तो सन से रिलेटेड कौन सा आ रहा है, मातंगी, तो आप इसकी पूजा करते देवी मातंगी। इस तरीके से आपको करना, जैसे मान लेते हैं इसी चार्ट, यहाँ पे कैप्रिकॉन है सेकंड हाउस, कैप्रिकॉन का लॉर्ड सैटर्न, हम सैटर्न से अगर फाइनेंशियल क्राइसिस इनकम की वजह से होता सैटर्न से रिलेटेड करते हैं, सैटर्न से रिलेटेड है दक्षिण काली देवी। अच्छा लोन की वजह से हो रहा होता तो क्या करते, एट्थ हाउस में आ रहा कैंसर, कैंसर का लॉर्ड सैटर्न ओ मून है, तो मून से रिलेटेड करते, मून से रिलेटेड कौन है, देवी भुवनेश्वरी, ये देखिए। और वो रेमेडी अट्रैक्शन अपीयरेंस वाला फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि मैंने उसे जानबूझ के स्लाइड में नहीं, कि अगर आपको अपना अट्रैक्शन बढ़ाना है या अपीयरेंस आपको इंप्रूव करना है लुक, तो उसके लिए दो प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल है, मरकरी और वीनस, उसका रेमेडी कीजिए। तो उससे रिलेटेड जो जेम स्टोन आते हैं वो है वीनस से रिलेटेड है डायमंड, मरकरी से रिलेटेड है एमरल्ड, तो एमरल्ड पहन लीजिए, डायमंड पहन लीजिए। अगर ये प्लैनेट 6 से 12 में बैठे हैं मरकरी या वीनस, या 6 से 12 के लॉर्ड है, तो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहनिएगा, ध्यान रखिए लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में, दोनों में से कोई एक, चाहे डायमंड पहन लीजिए चाहे एमरल्ड पहन लीजिए। अगर ये प्लैनेट 6 से 12 के लॉर्ड नहीं है, 6 से 12 में नहीं बैठे, तो आप सिंपली राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहन सकते, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में जब पहनते हैं तो ग्रह की शांति के लिए होता है, उसके इफेक्ट को कंट्रोल करने, राइट हैंड की रिंग फिंगर में जब हम पहनते हैं इसको तो उस ग्रह की पावर को बढ़ाता है। जैसे मान लेते हैं आपके चार्ट में मरकरी 6 से 12 का लॉर्ड है, 6 से 12 में बैठा है, तो आप उसका लेफ्ट, या और वीनस, तो आप लेफ्ट हैंड पहन लीजिए। बट एक दूसरा चॉइस ये भी है, मान लेते हैं दोनों में से एक ही तो पहनना है, मान लेते हैं मरकरी 6 से 12 में बैठा है, 6 से 12 का लॉर्ड, तो सिंपल सी बात है, देखिए वीनस क्या है, वीनस अगर 6 से 12 में नहीं है, 6 से 12 का लॉर्ड नहीं है, तो राइट हैंड रिंग फिंगर में डायमंड पहन लिए, या मान लेते हैं वीनस 6 से 12 में बैठा है और 6 से 12 का लॉर्ड, तो भी सिंपल, तो एमरल्ड आप मरकरी देखिए, मरकरी 6 से 12 में तो नहीं है, अगर मरकरी नहीं है 6 से 12 में और 6 से 12 का लॉर्ड नहीं, तो राइट हैंड की रिंग फिंगर में एमरल्ड पहन लीजिए, और चाहे गोल्ड में पहनिए चाहे सिल्वर में, इससे कोई प्रॉब्लम आपके वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यूली वेडेड कपल्स को कभी भी एमरल्ड नहीं पहनाया जाता, उस केस में डायमंड ही रिकमेंड कीजिएगा। न्यूली वेडेड कपल्स को आपने एमरल्ड पहना दिया तो हो सकता है उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम या चाइल्ड बर्थ के इशू आ जाएंगे, क्योंकि मरकरी एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, अगर आप उसका जेम स्टोन पहना दें एमरल्ड, न्यूली वेडेड कपल्स को नहीं पहनाया जाता। हाँ प्रेगनेंसी हो गई है तो आप पहना सकते हैं, अगर लेडी प्रेग्नेंट हो चुकी तब कोई इशू, कुछ लोग जो एबॉर्शन होता है ना कई बार, उससे एबॉर्शन बार बार हो रहा तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उससे बचने के लिए भी एमरल्ड पहना,
खासकर पंजाब वंजाब के तो डॉक्टर या वैद्य लोग भी इसको रिकमेंड कर देते। प्रेगनेंसी हो गई तो, प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो न्यूली वेडेड कपल्स में नहीं पहनाना है, ये ध्यान रखिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मुझे आज की क्लास में कवर करने। तो उसके बाद एक बार मैं फिर से और रिपीट कर देता हूँ कि हमारा 10 डेज का कोर्स आ रहा है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जो 21 फरवरी से स्टार्ट होगा और 2 मार्च खत्म होगा, जिसका फीस है 333। लेकिन जो लोग आज रात तक पेमेंट करेंगे उनके लिए 10% का डिस्काउंट, मतलब उन्हें 3000 पेमेंट करना है। और उनके लिए एक ऑफर ये भी है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पूरा क्लास उनको फ्री मिलेगा, कोर्स जो 5 से 6 घंटे का डिटेल कोर्स है मेरा, जिसमें आप चार्ट देख के ये समझ सकते हैं कौन सी प्रॉब्लम है आपको हेल्थ की, कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, फिर उसका रेमेडी क्या करना है, वैदिक रेमेडी, आयुर्वेदिक हर्बल रेमेडी कैसे करना है वो सब उसमें दिया है, क्या प्रिकॉशन फॉलो करने वो भी मैंने उसमें बताया। PDF और डिटेल लेक्चर है पूरा 5 से 6 घंटे का, वो भी उनको ही मिलेगा जो आज रात में एनरोल करें। और जिनको एनरोल करना है वो इस ये बैंक डिटेल का स्क्रीनशॉट ले लें, उस पे पेमेंट कर सकते, या ये नंबर आप देख रहे होंगे 9909369555, ये पेटीएम गूगल पे किसी भी मोड से करना है तो आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते। और पेमेंट करने के बाद यही नंबर व्हाट्सएप पे है, उसी पे स्क्रीनशॉट सेंड करके आप इन्फॉर्म कर सकते। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है उससे रिगार्डिंग, तो इसी नंबर पे कॉल करके आप अजय सर से अपने डाउट क्लियर कर सकते, कोर्स को लेके कोई भी डाउट है, और आपको रिकॉर्डिंग और PDF दोनों मिलेगा। और जो भी डाउट है आप क्लास में पूछ सकते हैं, नहीं क्लास में पूछते तो आप क्लास के बाद भी मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, कोर्स ख़त्म होने के बाद भी कभी भी पूछ सकते हैं। जो लोग पहले क्लासेस ज्वाइन किए हैं वो अच्छे से जानते हैं, कभी भी मुझे कॉल करें जवाब ज़रूर मिलता है। उस समय मैं बिजी रहूं तो थोड़ी देर बाद या अगले दिन पर मैं आंसर रिप्लाई ज़रूर देता हूं, इवन कोर्स ख़त्म होने के बाद महीने भर बाद भी आप कॉल करें, ऐसा कुछ नहीं कोर्स ख़त्म हो गया तो भूल गए। और 10 दिन का रखा है इसीलिए, जिसे 0 ABCD भी नहीं आती ना, बेसिक से कवर करेंगे, इसीलिए मैंने 10 दिन का रखा, जिसे 1-2 दिन पहले बेसिक पढ़ा के तब आगे फाइनेंस के पास में। और ये पेटीएम का बार कोड आप इससे भी कर सकते। एक दीजिएगा एक मिनट। चलिए मैं वन बाय वन आप लोगों को कहूंगा, वही अपने को अनम्यूट करेगा, हर कोई नहीं। उषा राय जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। रुकिए मैं आपको परमिशन। हाँ जी बताइए सर। जैसे अगर मान लीजिए कि सेकंड हाउस में जो है तीसरी राशि बैठी हुई है, मतलब 3 नंबर की राशि है, और उसका लॉर्ड जो है तीसरे घर में बैठा हुआ है, और सेकंड हाउस में सन और वीनस बैठे हैं, तो सेकंड हाउस वेल्थ का है, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि मतलब पैसा जो है गवर्नमेंट से भी आ सकता है और मर्करी से रिलेटेड जो चीजें हैं उससे भी आ सकता है, ऐसा है क्या कुछ? जेमिनी की सिग्निफिकेशन देखिए, ठीक है जी, और सन के सिग्निफिकेशन देखिए, और सन किस हाउस का लॉर्ड है उसके सिग्निफिकेशन देखिए। मान लेते हैं सन 9th हाउस का लॉर्ड है तो 9th हाउस के कामों से आ सकता है। ओके सर, थैंक यू। और सर एक चीज और, जैसे 8th हाउस ऑकल्ट का है और जुपिटर जो है वो टीचिंग का कारक है, तो अगर 8th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है और राशि भी जुपिटर की है, तो हम क्या कहेंगे कि ऑकल्ट में अगर आदमी जाता है तो वो टीचिंग के थ्रू पैसा कमाएगा? जुपिटर कंसल्टेंसी और गाइडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। सुरेंद्र कौर जी आप अपने बारे में।
सुरेंद्र कौर जी अपने को हाँ जी हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्ते सर, मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बताया कि सेकंड हाउस के लॉर्ड में जो भी राशि बैठी हो उसके लॉर्ड को देखना है हमें, है ना। तो जैसे समझो 6 नंबर की का लग्न है, उसमें 7 नंबर है, 7 में कोई प्लैनेट नहीं है, कुछ नहीं है कोई भी, तो हमें सिंपल सा बात है, एक एक मैं रिपीट कर दूं, अभी मैं लॉर्ड पे गया ही नहीं, मैंने कहा वहां बैठे प्लैनेट को देख लीजिए और राशि को देख लीजिए, नहीं प्लैनेट है तो राशि के सिग्निफिकेशन देख लीजिए, पीडीएफ मैंने पूरा दिया था। जैसे 7 नंबर की राशि है तो लिब्रा के देख है, तो तुला का तो हमारा शनि हुआ ना लॉर्ड के, लॉर्ड को देखना ही नहीं है, तुला का लॉर्ड वीनस है, देखना है लॉर्ड, लॉर्ड वीनस। अच्छा, तुला का शनि नहीं है सर? नहीं वीनस है। अच्छा, मैंने बताया था, आप सुनेंगे तो पता चलेगा। अच्छा सर, एक और बात है कि अगर आपने कहा अपनी अपनी अप्रिशिएशन बढ़ानी हो तो, और जिसके फर्स्ट हाउस में ही बुध और शनि हो ना, शुक्र हो, तो फिर वो कौन सा पहने रत्न हम दोनों में से डिसाइड कर लीजिए, जो 6 से 12 का लॉर्ड नहीं है तो उसका पहन लीजिए। 6 से 12 का लॉर्ड तो नहीं है कोई भी, दोनों नहीं तो में राइट हैंड में किसी एक का पहन लीजिए, एमरल्ड बेस्ट है फिर तो। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। श्री नाम जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। श्री नाम जी नमस्ते। फिर से आप लोग वही एक क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं, मैंने बार अभी तक कितनी बार ये चीजें रिपीट किया, फिर से सुनिए, सेकंड हाउस में बैठे प्लेनेट के सिग्निफिकेशन और किस हाउस का लॉर्ड है, जो राशि बैठी है उसके सिग्निफिकेशन देखिए, और आप एडिशनली लॉर्ड को भी देख सकते हैं, लॉर्ड कहाँ। ओके सर, ये जो मैसी वेल्थ के लिए बोले ना सर कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठे वहाँ से फिफ्थ का कनेक्शन देखना है जी, तो कुछ फिफ्थ के लिए क्यों देखना है, ऐसे कुछ है सर? कुछ सर फिफ्थ हाउस फ्यूचर का होता है, सेकंड लॉर्ड आपका पैसा है, तो पैसे का फ्यूचर कहाँ है, आप ये देखिए ना। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। गरिमा जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। हेलो, हाँ सॉरी, चलिए गरिमा जी एक मिनट, आप एपी जी आप बताइए। नमस्ते सर, अभी 10वें महाविद्यालय में मर्क्यूरी का लॉर्ड बताया आपने परासुंदरी, मैंने वेबसाइट में सर्च किया, परासुंदरी तो नहीं दिख रहा है सर, त्रिपुरा सुंदरी। मैं ये बताने वाला था, परासुंदरी और त्रिपुरा सुंदरी दोनों ही नाम सेम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। गरिमा जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर, अगर सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने से 12th में आ जाए, यानी कि फर्स्ट हाउस में आ जाए, तो फिर उसमें मतलब जैसे हम कहते हैं कि 12th हाउस में अपने से 12th में आ जाए तो लॉस होता है उसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, अलग अलग रूल के बहुत सारे वेरिएशन। तो फिर उसका अगर फिफ्थ देखेंगे तो फिफ्थ हाउस में जो जो प्लैनेट है उसका मतलब जैसे जो भी प्लैनेट है उसको देखेंगे हम, या साइन को? साइन प्लैनेट सब देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चंदन जी आप अपने कॉल कीजिए। जी सर, गुड इवनिंग। एट्थ और 11th राशि का मार्स और केतु है, सैटर्न राहु है, तो सेकंड हाउस से जब इनके लॉर्ड को देखेंगे तो सर केतु को मानेंगे, मार्स को मानेंगे, कौन? दोनों को देखेंगे, दो जगह से ही वेल्थ, दोनों अलग अलग हाउस में बैठे हो तो कोई इशू नहीं है, इंसान दो काम करता है, चार काम करता है। ओके ओके, थैंक यू। सरिता जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। सर अगर समझिए कर्क लग्न की कुंडली है और सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है तो 5वां नंबर सूर्य को देखना है फिफ्थ हाउस का। अच्छा, एक तो ये पूछना था, और अगर फिफ्थ हाउस में भी कुछ नहीं है तो जो है उसका ही लॉर्ड देखता है फिफ्थ हाउस का। अच्छा सर, शेयर मार्केट का काम हो और 8th हाउस में जुपिटर है और बहुत लॉस हो रहा है, तो जो 8th हाउस की माता का है उसका जाप करें। ये बिल्कुल ठीक है, जुपिटर के जो है वही ना जी। ठीक है, सरबजीत जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्ते सर,
ये मेरा सेकंड हाउस का कुंभ लग्न कुंभ राशि बन रहा है और कुंभ का पहले घर में मतलब शनि लग्न में है और वहां से फिफ्थ हाउस का वृषभ राशि बन रहा है और वो जाके टेंथ हाउस में सूर्य के साथ नीच का होके बैठा है। पहली बात तो आप वृश्चिक राशि को देखेंगे, वृश्चिक राशि शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री उससे वेल्थ आएगा। नहीं नहीं ये मकर लगन है। अच्छा मकर लगन है, मकर लगन 11-12 एक दो टॉरस है फिफ्थ हाउस। हाँ टॉरस है और पूजा के वापस उसका लॉर्ड शुक्र जो है वो टेंथ में बैठा है सूर्य नीच के सूर्य के साथ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सूर्य आपका एट्थ का लॉर्ड है तो एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट पामिस्ट्री तब भी कर सकते हैं ना, मगर मैं शुक्र का नहीं कर सकता हूँ ना। शुक्र का भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, शुक्र का भी हो गया ना उसको फल देगा, कोई मतलब नहीं, आपको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे बस, नीच प्लैनेट पैसा ज्यादा देते हैं। और सूर्य को शांति करना पड़ेगा क्या? कोई शांति नहीं करना पड़ेगा, शांत क्यों करना चाहिए सर? नीच और उच्च की बात ही नहीं होती, आप लोग कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे। नीच और उच्च का मतलब ये नहीं होता कि पैसा दे देगा, नीच प्लैनेट ज्यादा पैसा देते हैं, उच्च वाले पैसा नहीं दे पाते, वो सिर्फ मॉरल वैल्यूज देते हैं। और आप क्यों सूर्य को शांत कर रहे हैं, वो एट्थ का लॉर्ड, आप एट्थ हाउस का काम भी कर सकते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी का काम है, एलआईसी में काम कर सकते हैं, ऑकर्ड का काम कर सकते हैं, शांत क्यों करना? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में ऑकर्ड में आते ही लोग जल्दी शांति और रेमेडी पीछे मांगने रहते हैं। आप ये देखिए हर हाउस ऑफ प्लैनेट कुछ दे रहा है, पहले वो तो ले लीजिए, सबको शांति ही कर देंगे तो काम कैसे चलेगा। आप शांत कर देंगे अगर एट्थ हाउस को तो आप यहाँ बैठे ही कैसे। ओके चलिए हीर जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर, थैंक यू फॉर वेरी नाइस सेशन। सर पहले तो अमेरिकन डायमंड चल सकता है और इट हैज टू बी ऑथेंटिक डायमंड? हां बिल्कुल चल सकता है। ओके एंड हाउ मेनी टाइम्स वो हमें चांट करना है, वो जो महाविद्या का बता रहे थे कितना टाइम हम चांट? मैक्सिमम टाइम आप कर सके 108 टाइम्स कर पाए तो अच्छा, नहीं तो 1121। और क्रिस्टल डायमंड एमरल्ड और डायमंड की जगह क्रिस्टल भी पहन सकते। अच्छा क्रिस्टल्स भी चल सकता है। हां उन प्लैनेट्स। ओके वेरी गुड थैंक यू सर। अगर हो सके वो आपके पीडीएफ में जो पहला एग्जांपल ना, सबसे पहला एग्जांपल इफ यू कैन लेटर शो अस बिफोर वी क्लोज, आई मिस दैट फर्स्ट एग्जांपल, जस्ट वांट टू नोट डाउन सम अंडरस्टैंड इट। जो आपके पीडीएफ में आपने दिखाया वो फर्स्ट एग्जांपल, आई तो सबसे पहला एग्जांपल ये यस सर यही वाला। ओके आई गॉट इट, जस्ट वांट टू सी इट इज अ कल्ट एट इट्स। ओके सर इट्स फाइन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कोई दिक्कत। ओके आई गॉट इट सर थैंक यू। ये लोग क्लास में से भाग गए, मिस कर गए ना क्रिस्टल भी पहन सकते, बड़ी जल्दी रहती सबको। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। शशि कांत जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। श्यामला जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। या नमस्ते गुड इवनिंग, द क्लास वाज फैंटास्टिक, थैंक यू वेलकम। माय क्वेश्चन इज सेकंड सिंह लग्न सेकेंड लॉर्ड बुधा इज इन द 12th हाउस and yeah. 12th lord chandra is in the second house. When there is a parivartana yoga then what happens, who actually is the owner? Jo apne house mein wapas wahi pe chale jayenge, meaning 12th lord is chandra and second lord is buddha. Yes okay thank you. Yeah welcome. Sanjoli Jain ji unmute kar lijiye। हेलो सर जी। हेलो सर, आपके टिप बहुत अच्छे होते हैं, मैंने वो वाला जो पहले आपने एक बार बताया था ना सोल डिजायर, वो अप्लाई करा काफी कुंडलिक पर और वो मून फ्रॉम नाइन्थ हाउस फ्रॉम मून वो बहुत सही गया। थैंक यू। और सर आज का भी अच्छा है, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि फिफ्थ हाउस देखना है तो आपने लिखवाया मतलब फोर्थ हाउस में प्रॉपर्टी और हीलिंग का, तो फिर वो मदर भी है या फिर और कितने कार्यकर्ता होते हैं वो सब हम लेंगे? बिल्कुल ले सकते हैं, गाड़ियों का भी है, वो सबसे ज्यादा पैसा आपको माँ से वेल्थ मिल जाए तो ना कमाना। मेरा वही क्वेश्चन था, जैसे सेकंड हाउस आ गया तो फैमिली हो गया या मतलब स्पाउस का भी
वो हो गई है ना फादर जो कुछ भी. थैंक यू सर, ये कंफर्म कर. थैंक यू लक्ष्य जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए. नमस्कार सर, मेरे जो सेकंड हाउस में प्लैनेट बैठे हैं वो है लॉर्ड है उसके मर्करी, और वो नाइन्थ हाउस में बैठे हैं सन और मून के साथ जी. फर्स्ट हाउस वहां पे एक नंबर राशि है, तो मुझे क्या प्रोफेशन सर चूज करना चाहिए? सर जो पीडीएफ में दिया उसमें से कोई भी चूज कर लीजिए, उनके कारक तत्वों को देख के उनकी लॉर्डशिप देख. क्योंकि मैंने काफी टाइम से मैं बिजनेस कर रहा था, मेरा बहुत लॉस में जा रहा है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो बुध है मर्करी है वो सिंह लगन के लिए मारक है. ऐसा कुछ नहीं है, आप आएंगे क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन कर लूंगा. उसका एक रीजन मून भी है जो सेकंड हाउस में बैठे. हाँ वो 12th हाउस का लॉर्ड है. 12th का लॉर्ड है ये, मून इन जनरल खर्चों का कारक होता है, पैसा रुकने नहीं. जी बिल्कुल तो यही चीज मुझे यही आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं क्या ऐसा चीज का प्रोफेशन किस प्लैनेट का चूज करूं इन तीनों में से जिससे मुझे फायदा मिले. दोनों में से किसी का चूज कर लीजिए, किस हाउस के वो लॉर्ड है उस हाउस को देखिए. सेकंड हाउस का लॉर्ड मर्करी और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो सन है. कोई बात नहीं, फर्स्ट हाउस इंडिपेंडेंट का, मून 12th का, तो एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल का कर सकते हैं, हीलिंग का कर सकते हैं, मेडिटेशन योग से रिलेटेड कर सकते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कर सकते हैं. मून ट्रैवल का कारक है जी. अकाउंट में बहुत इंटरेस्ट है सर, अकाउंट साइंस में, यानी कि एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में. 12th हाउस मेडिटेशन और ऑकल्ट का भी होता है, उससे रिलेटेड कर लीजिए, क्या दिक्कत है. ओके, आप 8th हाउस सुनते आए, 12th भी ऑकल्ट का होता है. 8th हाउस का भी लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है सर. 8th का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है इससे इंटरेस्ट है, 12th का लॉर्ड सेकंड में आ गया तो उसका काम आप कीजिए, कर सकते हैं ऑकर्ड का. थैंक यू. ओके थैंक यू हंसारा जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए. मोहित जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए. ये कौन है भाई जिसका नाम नहीं शो रहा, ट्रिपल डॉट, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने परमिशन दे दिया. हाँ, नमस्कार सर, बहुत अच्छा था आपका, फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है आपको. सर मैं एक दो क्वेश्चंस है, आपने जो महाविद्या का साधना का आपने सेकंड हाउस का बताया, तो सिर्फ प्लेनेट अगर है प्लेनेट को ज्यादा कंसीडर करेंगे कि राशि? लॉर्ड लॉर्ड सिंपल लॉर्ड जो राशि का लॉर्ड है जी, राशि लॉर्ड को ज्यादा कंसीडर. जी बिल्कुल ठीक है. आफ्टर देन आपने जो एमरेड और डायमंड को पहनने के लिए बोला है, मान लो 6th हाउस में मरकरी और मतलब 6th हाउस में या 6th 8th 12th में क्या बोलते हैं शुक्र बैठा है कोई, मगर उनकी डिग्रीज वहां पे जा रही है. नहीं, डिग्रीज से मैटर नहीं, डिग्रीज इस नेट पे मैटर नहीं. ओके थैंक यू वेरी मच. थैंक यू रीना जी, आप अपने को. वीना जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए. समेत भल्ला जी को अनम्यूट कर देना. चलिए देवेंद्र भल्ला जी, आप. नमस्कार सर जी. नमस्ते सर, एज यूजुअल आपके जो रूल्स हैं जो आप डिज़ाइन करते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही माइक्रो और टू द पॉइंट है सर. वो बिल्कुल जब आप क्लास पढ़ा ही रहे हैं तो कई दिमाग में कुंडलियां घूम जाती हैं और वो पूरी तरह एक्यूरेटली वहां पर फिट बैठते हैं सर. ओके थैंक यू. तो बाकी आपने जो बोला था कि बगलामुखी कांगड़ा के पास बहुत बढ़िया बहुत पुराना मंदिर है सर हिमाचल में, माँ बगलामुखी का, और माँ छिन्न मस्तिका का मंदिर गगरेट के पास है सर, माँ चिंतपूर्णी का जी. तो आपने की हाँ जी हाँ, वो तो बहुत माँ छिन्न मस्तिका मंदिर ही बोलते हैं माँ चिंतपूर्णी को राम के लिए, और बगलामुखी का मंदिर सर कांगड़ा के पास है, बहुत ही पुरातत्व मंदिर है सर. ऑनलाइन भी अगर लोग चाहें तो वहाँ आप ऑनलाइन पूजा भी करवा सकते हैं जी.
अगर वहां जाके करवाएं तो बहुत बढ़िया है। मैं क्या, आपने बोला था ना कि अगर किसी को पता हो तो, मेरे को ये बहुत दो चीजें तो बहुत विख्यात प्रख्यात, और मैं तो गया भी हूँ वहां पे, तो मुझे बहुत बढ़िया है अगर किसी ने वहां पर अपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना। हाँ बिल्कुल, चलो आपकी, हाँ थैंक यू सर, थैंक यू इतनी इंफॉर्मेशन देने, थैंक यू। एक मिनट, एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं अपनी क्लास के बारे में कि हमारा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे क्लास आ रहा है 21 फरवरी से, जिसमें हम फाइनेंस का पूरा पार्ट कवर। ओके, जिसमें फाइनेंस का पूरा पार्ट कवर होगा, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च हो रहा है, लॉस कहाँ हो रहा है, कहाँ फंसा हुआ है, कंट्रोल किसका है हमारे पैसे पे, डील करेंगे सही होगी खराब होगी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, करेंगे तो किस सेक्टर में करें, लोन लेंगे तो पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पैसे या वेल्थ को बढ़ाने के लिए एक्टिविटी क्या करें, फाइनेंशियल ग्रोथ और लोन के पेमेंट के लिए क्या एक्टिविटी करें, पैसा कहीं फंसा है तो क्या करें, उसके लिए कौन सा रेमेडी करें, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या रेमेडी करें, बैंकरप्सी के लिए क्या रेमेडी करें, और जो पैसा है हमारा वो कब हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, उसका टाइमिंग कैसे करें चार्ट के अकॉर्डिंग, ये सब हम सीखेंगे। तो जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 3333, बट जो आज रात तक पेमेंट कर देगा उसको 10% का डिस्काउंट है, तो 3000 पे करता है। और हमारी क्लास 21 फरवरी से स्टार्ट हो रही, 10 फरवरी ये गलत लिखा है, 21 फरवरी से 10 डेज का कोर्स है। और जो बैंक डिटेल्स है पेमेंट की वो ये है, आप इस पे पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ ये नंबर लिखा है 9909365, ये इस पे आप पेटीएम गूगल पे किसी भी मोड से पे कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग, पेमेंट के रिगार्डिंग, तो इसी नंबर पे कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं अजय सर से। और ये हमारा पेटीएम, हेलो नमस्कार सर, एक सेकंड, हाँ सर बताएं सागर। नमस्कार सर, सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि 6 से 12 में जो राशि बैठी हो जी, अब 6 से 12 में तो सर अगर राशि मरकरी की बैठी है और 12th हाउस में ही वीनस भी बैठा है, तो सर डायमंड पहने या एमलेट पहने, दोनों में से कोई एक पहन लीजिए, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर। अच्छा ओके, दोनों में से सर जैसे ज्यादा आपने कहा है कि मरकरी ज्यादा अच्छा रहता है, बिल्कुल मरकरी जो है सर वो 10th हाउस में बैठा है, तो मरकरी पहनिए, दोनों में से अगर एक ही चूज करना है तो मरकरी बेस्ट है, अगर दोनों का पोजीशन है जैसा। ठीक है सर, थैंक यू सर। समेदा जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी नमस्कार पीयूष सर। जी नमस्ते सर, आज की क्लास बहुत अमेजिंग थी और बहुत मजा आया जी। सर सॉरी मैं वीडियो ऑन इसलिए नहीं करी, 2-3 बार ना मेरा नेटवर्क ड्रॉप हो गया था तो मुझे रीकनेक्ट होना पड़ा फिर जूम। कोई इशू नहीं मैम जी। सर एक तो कि सेकंड हाउस हमारा मार्केश भी होता है, तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अगर जैसे मेरे सेकंड हाउस में ना शनि और मंगल दोनों बैठे हैं और क्योंकि वो डिस्टर्बिंग वे में भी करते हैं, तो जो मंत्रास आपने बताए हैं क्या उनकी लाइक शांति के लिए भी वो हम चैंट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो दोनों अपोजिट हैं एक तरह से ना, तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर जी जी थैंक यू सर। और दूसरा बस क्वेश्चन मेरा ये था कि नॉर्मली तो कहते हैं कि फीमेल्स कोई भी स्टोन लेफ्ट हैंड, मतलब फीमेल है तो लेफ्ट में पहनेगी, मेल है तो राइट में, बट आपने तो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर 6, 8, 12 में है तो लेफ्ट में पहनना है उसको थोड़ा मतलब शांत करने के लिए, और अदरवाइज अच्छी जगह पे है तो राइट में। सर नॉर्मली हम 6, 8, 12 के स्टोन्स को वैसे तो रेकमेंड नहीं करते ना? हाँ नहीं करते, लेकिन मैंने किया ना, पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप रेकमेंड कर पाएंगे, जिनको नहीं पता वो ही ये बातें करते हैं, नहीं करते। अच्छा तो मतलब पहन सकते हैं? हाँ पहन सकते हैं, लेफ्ट हैंड पहन। ठीक है। एंड सर अगर कोई ग्रह की वैसे डिग्री जैसे 29 डिग्री है जो की कोई सुनी नहीं, तो उसको कहाँ पहनना है, लेफ्ट में की उसमें? नहीं नहीं वो डिपेंड करता है प्लेसमेंट और हाउस लॉर्ड, अच्छी जगह प्लेस है राइट हैंड पे। अच्छा ठीक है सर, डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुलेखा जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सुलेखा जी, बबीता जी आप अनम्यूट कर लीजिए।
बबीता जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सुमन, सुमाना जी, सुमाना डे, नमस्ते जी। जी नमस्ते। हाँ सर, मेरे सेकंड घर में वो चारी ग्रह है, शनि बुध शुक्र सूर्य है, तो क्या करूं? तो आप चारों में से जो समझ में आए उसका काम कर लो। मतलब चारों प्लेनेट में जिसका आपको लगता है उसका काम कर लीजिए। मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं आपके ना वेल्थ। अच्छा अच्छा, मैं अभी भी ठीक समझ नहीं पा रही हूँ। मैडम समझना कुछ नहीं, मैंने क्या कहा, सेकेंड हाउस में जो प्लेनेट और साइन बैठे उनके सिग्निफिकेशन देखने। आपने पूरा क्लास सुना कि नहीं सुना? सुना। तो चार प्लेनेट में से किसी भी प्लेनेट का आप चूज करके काम कर सकते हैं। चार प्लेनेट का मतलब है आपके एक से ज्यादा सोर्स हो सकते हैं वेल्थ के। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। आईफोन जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सर नमस्कार। जी नमस्ते सर। प्लेनेट के लॉर्ड बताए हैं आपने जो उनसे। जी, अगर घर में पति पत्नी का अलग अलग हो तो दोनों मंत्र चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल चल सकते। ठीक है, थैंक यू। सरबजीत जी आपने को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्ते सर। मेरा सेकंड हाउस में केतु है, सिक्स भी खाली और सेवन भी खाली है, एट में राहु है, नाइन्थ में बृहस्पति है। तो अभी हिसाब से केतु की करनी चाहिए रेमेडी या क्या करें? केतु का काम ही कीजिए ना स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इंपोर्ट का क्या दिक्कत? तो जैसे सिक्स सेवन तो खाली है। सिक्स सेवन से क्या लेना देना, सिक्स सेवन की बात ही नहीं काम को लेकर। तो जैसे मैं ऑलरेडी पहले बिजनेस कर रहा था, अभी बिजनेस मेरा बिल्कुल बंद है, चौपट है। हाँ हाँ, तो वो देखना पड़ेगा ना क्यों चौपट, ये तो पूरे चार्ट को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सर मैं आपसे कॉन्टेक्ट कैसे कर सकता हूँ? जो ट्रिपल ये नंबर है इस पे सर से बात करके, आप सर से मेरा नंबर ले लीजिएगा जिसको भी बात करना है। ये नंबर है सर का 999-0-36। ठीक है जी, चलो ठीक है, मैं सुबह बात करूंगा। थैंक यू। मोहित जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मालती जी बताएं। नमस्ते सर। जी नमस्ते। या मेरा सेकंड हाउस में चंद्रमा स्वग रही है सूर्य और शुक्र के साथ में, और वहां पांचवें स्थान में वृश्चिक राशि में शनि बैठा है, तो हम करना चाहिए? आप हीलिंग का काम कीजिए, हीलिंग का या फूड का। हीलिंग का या फूड का। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हंसारा जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हंसारा जी सर आ रही है? आ रही जी। हाँ जी सर, दो क्वेश्चन से। एक तो आपने वो लोन के लिए एट स्लॉट के लिए बताया ना जी, तो सर वैसे लोन के लिए हम सिक्स हाउस से देखते हैं, तो फिर इसका एट से कैसे कनेक्शन है? एट हाउस बड़े लोन का, बड़े लोन का, और छोटे छोटे लोन के लिए सिक्स हाउस के लिए जी। ओके, और सेकंडली जो आप जैसे वीनस और इसका मर्करी के रिंग के लिए कह रहे हैं स्टोन के लिए, तो भी हमारा क्रिस्टल भी हम पहन सकते, तो क्रिस्टल के ब्रेसलेट हो सकते हैं सर? कुछ भी हो सकते हैं। और तो वो फिर लेफ्ट हैंड में जैसे भी एज पर द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, राइट लेफ्ट में? बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। ओके शशिकांत जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ सर, मैंने एक चीज पूछना है, जैसे आपने एइथ लॉर्ड को कहा शेयर मार्केट देखने के लिए, एइथ लॉर्ड को देखना है ना सर? तो इसका कारक प्लेनेट, शेयर मार्केट का कारक प्लेनेट कौन सा होगा? ये प्लेनेट फिक्स नहीं है, आपको किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है ये देखना पड़ेगा। अच्छा, तो एइथ लॉर्ड का जो टाइमिंग होगा उसी टाइमिंग में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है सर? नहीं नहीं, टाइमिंग वाला पार्ट हम सीखेंगे क्लास में, कब करना है। अच्छा ठीक है सर,
तो ये जो सर आपने क्लास लिए हैं इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है सर? इसका रिकॉर्डिंग ग्रुप में होगा, टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां देख लीजिए। अच्छा ठीक है। और ये जो आपने हम लोगों के लिए जो कोर्स डिजाइन किया था जैसे बार चार्ट वगैरह, वो भी डाल देंगे आपने? नहीं, जो पेड कोर्स आएगा। नहीं, जो आज आपने क्लास लिया वो डाल देंगे आप? नहीं, फ्री को, इसकी रिकॉर्डिंग टेलीग्राम पे रहेगी, वहां से आप देख सकते हो। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी हाँ नमस्ते सर। जैसे मेरा लियो असेंडेंट है और सेकंड और इलेवेंथ का लॉर्ड मरकरी है सर। अरे सर आप तो आप क्लास में हैं तो क्यों चिंता करना, पूछ लीजिएगा बाकी लोगों। ओके सर। खुशबी जी आप पूछिए। अरे आप तो हमारे साथ 10 दिन रहने वाले हैं, 10 दिन के बाद भी। ठीक है सर, राइट सर। हाँ जी पूछिए सर। आपने मेरे को अनम्यूट किया सर, वीना। हाँ हेलो, एक सेकंड वीना जी को बोल देंगे तो। वीना जी हाँ नमस्कार सर, ओम साई नाम जी। ओम साई सर, आपने अभी जो मरकरी का और वीनस का बताया है, मेरे 12th हाउस में वीनस है और मरकरी सेकंड हाउस में है। तो मरकरी का पहनना है राइट साइड में रिंग फिंगर में जी, एमरल्ड जी। और सर मेरे जो मेरे सेकंड हाउस में सर जो राशि कर्क राशि है तो उसका जो लॉर्ड है वो 6th हाउस में बैठा हुआ है जी, चंद्रमा। तो सर फिर बताइए सर, इसके बारे में बताइए, इसका मेरे को समझ नहीं आया। उसमें समझना क्या है, आप रेमेडी के पर्पस से समझना चाहती हैं कि पैसे? रेमेडी के पर्पस से, कि भी जैसे आपने मरकरी, आपने सुना नहीं पूरा क्लास, मरकरी और वीनस का रेमेडी मैंने अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए और अट्रैक्शन के लिए बताया था। ये तो अलग से हो गया, एक जो आपने कहा सेकंड हाउस का जो इनकम का आपने बताया था, तो सेकंड हाउस का जो रेमेडी का अगर आपको करना, तो मैंने महादेवी महाविद्या का वर्षिप, तो मून से रिलेटेड जो महाविद्या उसके मंत्र का चैंटिंग कीजिए, क्योंकि मेरे वहां पे चार ग्रह बैठे हुए सर, बुध केतु। आप कंफ्यूज हैं, आपको रेमेडी पूछना है सेकंड हाउस के अकॉर्डिंग, ये पूछना है कि काम कौन सा करना है, तो कौन से प्लैनेट बैठे हैं वो देखिए। उसमें केतु है और मंगल है, सूर्य है और बुध है, चार हैं। केतु स्पिरिचुअलिटी ऑकल्ट का कारक है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पामिस्ट्री उससे रिलेटेड काम कीजिए। सर वो तो मैं कर रही हूँ, और कुछ सर? और मरकरी है, मरकरी भी इंट्यूटिव काम को देता है, ठीक है। मंगल है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, और सन से? सन है तो सन किसी भी गवर्नमेंट फिगर, फादर फिगर के कोई भी अथॉरिटेटिव काम, सन भी नॉलेज का कारक होता है, तो आप जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो भी उसके अंडर में आ सकते हैं। ओके ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। श्रीनिवास जोशी जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। श्रीनिवास जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। श्रीनिवास जी अपने को अनम्यूट। हाँ बताइए। सर आपकी तरफ नेटवर्क इशू बहुत आ रहा है। श्रीनिवास जी हेलो। हाँ जी बताए। हाँ सर बताए। हेलो, गुरु है और फाइनेंशियल इशू बहुत है, जबकि मैं धन लगने की राशि है। हेलो जी सर, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। हेलो सर, वॉइस नहीं क्लियर। हेलो हेलो, आ रही है? चलिए पार्वती के जी आप अपने को अनम्यूट करिए। हाँ सर नमस्कार। ये हाँ योगेश जी नमस्कार सर जी। नमस्ते। हाँ सर, हमारा सेकंड हाउस में सन है और कुंभ राशि है, तो शनि हुआ और शनि मेरा बैठा हुआ है 7th भाव में चंद्रमा की राशि में, तो इसका किसका काम करेगा सर इसमें? एक्वेरियस साइन तंत्र मंत्र ऑकल्ट का भी होता है, इससे रिलेटेड कर सकते हैं। और उसका लॉर्ड सैटर्न कुमरा वो कैंसर में बैठा, हीलिंग का काम, प्रॉपर्टी का भी काम कर सकते हैं, गाड़ियों का काम। और सन जो बैठा हुआ है ना सर, सन 8 का, हाँ, सन 8 का लॉर्ड, तो ऑकल्ट का कीजिए ना एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री। अच्छा अच्छा, नहीं इसीलिए पूछे। थैंक यू सर। पार्वती जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा सर। आपने बहुत बार एक्सप्लेन किया था, लेकिन मुझे एक स्मॉल डाउट है। आपने जो सेकंड हाउस का बोला था कि यू हैव टू सी दैट फॉर
जो भी मीन्स लाइक जिस इससे वेल्थ लाइक जो प्लैनेट्स उसमें बैठे हैं उससे या वेल्थ या जो मीन्स whichever if you do the professions or something related to that then you will get wealth. और जो आपने बोला था कि fifth house देखो that is जो lord of second house जिधर बैठी है fifth that is the future of wealth. So what do we have to give more importance to that future वाला thing or वो मैंने massive wealth के लिए कहा था आपको normal पैसा चाहिए ज्यादा पैसा चाहिए वो आपके ऊपर है ना. ओह अच्छा. So अगर किसी का massive wealth के लिए ना like fifth house जैसे वो आपने जैसे बोला था वो पूरा exercise करके 10 में आता है और 10 के लिए हार्ड वर्क है मींस यू हैव टू वर्क हार्ड देन यू विल गेट. वहां पे कोई राशि भी होगी कोई प्लेनेट भी हो सकता है वो भी तो देख सकते हैं. नहीं देयर इज नो इफ देयर इज नो प्लेनेट एट ऑल इट इज राशि तो होगी राशि तो नहीं है राशि इज 10 10 है तो उसका लॉर्ड भी देख सकते हैं कहां उसका लॉर्ड सैटर्न 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 को देख तो देन यू हैव टू सी सैटर्न देन सैटर्न विल गिव बिकॉज़ सैटर्न तो इज फॉर 2 ना एंड यू हैड टोल्ड दैट 10000 सो इसलिए मुझे लगा था कि ये हार्ड वर्क इज लाइक अ जनरल कांसेप्ट ना कि कोई नहीं लॉर्ड को भी दे ओके थैंक्स अ लॉट सर थैंक यू पारुल जी. रीता जी अपने को अनम्यूट की रीता जी अनम्यूट कर लीजिए. खुशवी जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए. सर आज का पीडीएफ भेज दीजिए ना प्लीज. मैम ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाएगा टेलीग्राम की. ओके थैंक यू पारुल जी आप अपने को अनम्यूट कर और फ्री क्लास के पीडीएफ हम लोग नहीं देते. ओके सर आज यहीं पे एंड कर दीजिए. ओके थैंक यू. चलिए जो बाकी बच्चे बुलाओ सब लोगों को कल. हेलो